परिवार कहा जा रहा है। तो ठीक है, तो परिवार की व्यवस्था को शुरू करते हैं अगर आप सभी की अनुमति है। इसका परिवार की व्यवस्था अगर बात की जाए तो विश्वास संबंध का आधार है। तो सीधा सीधा परिवार की जो व्यवस्था है उसको हम डिस्कशंस करना शुरू कर देते हैं। हमने अभी तक जांच परख की और उस जांच परख से ये दिख रहा है कि जैसे एक छोटा सा मुद्दा है, क्या हम संबंध को समझे बिना संबंध में जी सकते हैं? हाँ ना, आप चार्ट में तुरंत उसको आंसर कर सकते हैं, चार्ट बॉक्स में यस नो। संबंध को समझे बिना क्या हम संबंधों में जी सकते हैं? जैसी सुविधा के उत्पादन के लिए या सुविधा के उपलब्धि के लिए हम लोग 15 साल 20 साल की पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में डिग्री मिली, डिग्री के बाद में नौकरी मिली, नौकरी के बाद में हम सुविधा की उत्पादन या उपलब्धि कर पाए, उसके लिए हुनर को विकसित किए, तो उस हुनर को विकसित करने के लिए हमने 15-20 साल लगाए। संबंध को समझने के लिए हमने कितने साल लगाए? संबंध को समझने के लिए हमने क्या प्रयास किए? और इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम संबंध को समझे बिना संबंधों में जी सकते हैं? हमने ये भी जांच परख की पहले सेशन में पहले दिन कि परिवारों में जो दुख है या मुझ में जो दुख बना रहता है वो सुविधा की कमी के कारण अधिक है या संबंधों में निर्वाह न होने के कारण अधिक है। तो परिवारों में मुख्य मुद्दा है सुविधा का। सुविधा का जो उपयोग एक साधन के रूप में होता है शरीर की आवश्यकता को पूरी करने का। अब इस बात से ये स्पष्टता दिख रही है कि जब तक संबंधों का आधार शरीर मानते हैं तो शरीर के आधार पर संबंधों का निर्वाह करने की कोशिश करते हैं, तो एक जड़ वस्तु दूसरे जड़ वस्तु के साथ अगर संबंध का निर्वाह होने का प्रयास करे तो जो जानने मानने समझने की है ना जो क्षमता है, जो योग्यता है, वो तो मय में है। अब इस स्पष्टता के साथ हम मानव स्वयं मय और शरीर का जो सहअस्तित्व है संबंध की जांच परख करते हैं। ठीक, तो संबंध की चर्चा शुरू करने से पहले ये कहा जा रहा है कि संबंध है, क्या लगता है संबंध है या संबंध को हम बनाते हैं? देखिए, जो जो वस्तु को हम बनाते हैं उस वस्तु को हम बिगाड़ते हैं, बिगाड़ पाते भी है। अगर मैं उसको कंस्ट्रक्ट कर पा रहा हूं तो उसको मैं डिस्ट्रॉय भी कर पाऊंगा, उसको मैं मॉडिफाई भी कर पाऊंगा। तो संबंध है या संबंध को हम बनाते हैं? बहुत बार हम कहते हैं ना कि संबंध को हमने बिगाड़ दिया या संबंध को मैं तोड़ना चाहता हूं। ये तोड़ना बिगाड़ना इसको हम कर क्या रहे हैं? अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, शारीरिक रूप से संपर्क नहीं करते। जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर में हम जाते नहीं। वो अगर सामने से आए तो हम दाएं मुड़ जाते हैं, है ना, उनको हम ब्लॉक कर देंगे फोन में, उनके फोन को हम उठाएंगे नहीं। शारीरिक रूप से संभाषण को बंद करने से वो जो संबंध है वो संबंध कल्पनाशीलता से भी पूरी तरह से हट जाते हैं क्या? संबंध के तोड़ने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, शारीरिक रूप से संभाषण बंद कर दे रहे हैं। लेकिन संबंध ये जो भाव है ये एक मय का मय के साथ है या शरीर के साथ है? ये मय का मय के साथ है या शरीर के साथ है? तो यहां पर एक रिफ्लेक्शन लेते हैं, रिफ्लेक्शंस के थ्रू भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है संबंध है एक मय और दूसरे मय के बीच, संबंध है एक शरीर और दूसरे शरीर के बीच। इसको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा स्टेटमेंट यह कहा जा रहा है कि संबंध में भाव है। सर इसको ओपन करें सबके लिए, लॉक है सर ये, रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे सर। हाँ,
मोहित जी, परीक्षित जी, तुषार भैया नमस्ते, होस्ट और पैनलिस्ट तो कर दीजिए जी, तुषार भैया अलाउड टू कर दीजिए जी, थैंक यू। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि संबंध में भाव है, एक मय में दूसरे मय के लिए। तीसरा स्टेटमेंट यह कहा जा रहा है कि इन भाव को पहचाना जा सकता, ये निश्चित है, ये नौ भाव है और इसका निर्वाह और मूल्यांकन करने से उभय सुख होता है। ठीक, तो चार स्टेटमेंट है। ये कहा जा रहा है कि संबंध है मय का मय से, संबंध में भाव है एक मय में दूसरे मय के लिए, जैसी विश्वास एक भाव है ना, सम्मान एक भाव है। ठीक है, तो अभी हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इसको। जैसी विश्वास एक भाव है, सम्मान एक भाव है, तो इन भाव को पहचाना जा सकता है ना। हम जनरली तो ये कहती है कि विश्वास है विश्वास नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि पहचाना हो रहा है, वो निश्चित है, निश्चित है, इसीलिए तो हम उसको पहचान पा रहे हैं, और निश्चित है तो हम उसको समझ भी पाएंगे, समझ के साथ निर्वाह भी कर पाएंगे, और निर्वाह करने के साथ उसका मूल्यांकन करते उभय सुख होता है ना, इस बात को भी हम देख पाएंगे। तो ठीक है, जो पहला रिफ्लेक्शन है उसमें 97% ये कह रहे हैं कि मय का मय के साथ संबंध है, एक केवल एक ही रिस्पॉन्स ये है कि शरीर का शरीर के बीच संबंध है। ठीक, दूसरा भी रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, क्या हम निश्चितता के सात भाव के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे विश्वास है, सम्मान है ना, ये जो नाइन फीलिंग्स है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, तो क्या इसको हम निश्चितता के साथ इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, इन भाव को हम समझ सकते हैं, इससे लेकर एक रिफ्लेक्शन है, इसको भी इनेबल कर सकते हैं होस्ट और पैनलिस्ट के लिए। दिलशा जी, एनेबल है सर, एनेबल लोग कर। अच्छा ठीक है, मेरे पास तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो होस्ट को होस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो जो भाव है ये निश्चित है, इसी से लेकर एक ना क्वेश्चन है। तो ये कहा जा रहा है कि संबंध है मय का मय से, संबंध में भाव है एक मय में दूसरे मय के लिए, इन भाव को पहचाना जा सकता है, निश्चित है, नौ भाव है, इनका निर्वाह और मूल्यांकन करने से उभय सुख होता है, और ये जो भाव है विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, इन भाव को अगर देखा तो विश्वास को आधार मूल्य कहा जा रहा है और प्रेम को पूर्ण मूल्य, है ना। ठीक है, तो लगभग 82% रिस्पॉन्स का ये कहना है कि निश्चित भाव है, उसको समझा जा सकता है, चर्चा की जा सकती है। विश्वास आधार मूल्य है ना, प्रेम पूर्ण मूल्य, सिंपल से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर विश्वास नहीं है तो प्रेम हो सकता है क्या? सम्मान का भाव नहीं है, स्नेह का भाव नहीं है तो प्रेम हो सकता है क्या? तो प्रेम को पूर्ण मूल्य कहा जा रहा है, विश्वास को आधार मूल्य कहा जा रहा है। देखिए, जहां पर भी हमारे संबंधों में इन दरारें आई हुई है, उस सारे संबंधों को भी अगर जोड़ के देखा तो ये दिखता है कि जब हमने संबंध को पहचाना था और एक दूसरे के साथ में संबंध के भाव को निर्वाह करने का प्रयास कर रहे थे, तब हम एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छी तरह से जी रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये विश्वास की कमी, और वो जो विश्वास की कमी है वो थोड़ी सी एक दरार के रूप में दिखने लग गए दोनों संबंध में, और फिर वो दरार धीरे धीरे खाई के रूप में पड़ी, और नौबत यहां पर आई कि आज वो हमें देखना नहीं चाहते, हम उनको देखना नहीं चाहते, हम एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं करना चाहते, एक दूसरे को कट कर देते, काट दिया है। तो जहां पर भी अगर देखा जाए ये विश्वास में अगर कमी है या अविश्वास अगर है तो संबंध में जो तृप्ति है वो तृप्ति नहीं मिल पाती,
तो संबंध में तृप्ति के लिए, संबंध में जीने के लिए विश्वास है ना, एक आधारभूत मूल्य है। अब हम जांच परख करके देखेंगे विश्वास क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, दो व्यक्ति के बीच में अगर, मैं केवल कुछ उदाहरण देता रहता हूं एक ध्यान आकर्षण करने के लिए, दो व्यक्ति के बीच में अगर कोई झगड़े चल रहे हैं और आप अगर वहां पर है और उनको ध्यान से सुने तो दोनों भी ये कहते हैं ना कि विश्वास करो ट्रस्ट मी, दूसरा भी कहता है ट्रस्ट मी, और दोनों को भी जाकर अगर पूछे कि विश्वास क्या है ट्रस्ट क्या है तो ये विश्वास क्या है इसको जांच पर करके देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है या नहीं है कि पहले विश्वास क्या है उसको तो समझ ले। दूसरी बात यह है, विश्वास केवल कुछ व्यक्तियों पर होगा या सभी व्यक्ति पर होगा। तीसरा मुद्दा है, विश्वास सशर्त होगा या बिना शर्त होगा। और चौथा मुद्दा है, क्या हम निरंतरता में किसी पर विश्वास कर सकते हैं या निरंतरता में विश्वास नहीं कर सकते। इसके लिए भी, इसको भी जानने के लिए एक रिफ्लेक्शन लेते हैं। ये जो चारों क्वेश्चंस है, इस चारों क्वेश्चंस को जानने के लिए एक रिफ्लेक्शन है। बलवीर सिंह जी का हैंड रेज है, तो बलवीर सिंह जी अगर आप कुछ बात को रखना चाहते तो रख सकते हैं। अभी तक की हमारी जो चर्चा हुई उससे लेकर अगर कोई शेयरिंग है आपकी, क्वेश्चन है। जी सर, मैं संबंध के बारे में बात करूंगा कि चूंकि अगर हम दो भाई हैं और दोनों भाई हैं तो दोनों भाई 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 का संबंध है, और चूंकि यदि हमारी किसी प्रकार से उनमें आपस में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, या भले हम शारीरिक रूप से उससे बातचीत न करें लेकिन आखिर का हमारा संबंध तो रहेगा ना सर, भाई का भाई से जो संबंध तो रहेगा भले ही हम बातचीत न करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही बात है कि संबंध है ना, अगर हम उसको देख पाए और संबंध के निर्वाहक के लिए ये जो संबंध के भाव को समझना और उसके साथ में जीना ये आवश्यक है, ये अगर दिखाई दिया तो फिर हम इस भाव को भी समझेंगे, इस भाव के साथ में भी जिएंगे और संबंध पूर्वक जी पाएंगे। तो क्योंकि संबंध पूर्वक जीना मेरी सहज स्वीकृति है। जैसे हम अगर ये क्वेश्चन खुद को पूछे कि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक, विश्वास चाहते हैं या अविश्वास चाहते हैं, है ना, सम्मान चाहते हैं या अपमान चाहते हैं, इस बात स्नेह चाहते हैं या विरोध चाहते हैं, इस बात को जितना भी हम देखेंगे तो हमें सह स्वीकार्य क्या है वो दिखाई देगा। और फिर जो सह स्वीकार्य है उसके आधार पर जीने के लिए हम तैयार है। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू बलवीर जी। जी सर, जी सर, सर। तो ये जो विश्वास क्या है, यहां से अभी चर्चा को शुरू करते हैं। अच्छे चल रही है सबकी सोच विचार, रिफ्लेक्शंस के थ्रू दिखाई दे रहे हैं, क्या विश्वास केवल कुछ व्यक्ति के लिए होगा या सभी के लिए। तो 56% का कहना है कि कुछ, 40% का कहना है कि सभी के लिए। उसी तरह से सशर्त या बिन शर्त, तो बिना शर्त 93% देख पा रहे हैं। निरंतरता विश्वास में चाहते हैं, हाँ 70% कह रहे हैं कि हाँ। तो इसी मुद्दों के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मुद्दा है विश्वास क्या है। विश्वास का अर्थ है आश्वस्त होना, ठीक। किस बात की आश्वस्ति चाहता हूं मैं निरंतर सुखी और समृद्धि में जीना चाहता हूं। दूसरा, मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है ऐसा स्पष्ट होना विश्वास। देखिए, जब भी हम कहते हैं ना कि विश्वास नहीं है तो क्या कहना चाहते हैं, वो मुझे सुखी देखना नहीं चाहता, वो मुझे सुखी करना नहीं चाहते हैं, वो हमारे समृद्धि के आड़ में है ना। ये जब लगता है तब अविश्वास है। विश्वास क्या है, इस बात से आश्वस्त होना, दूसरा मेरे सुख समृद्धि के अर्थ में है ऐसा स्पष्ट होना। तो जब अपने में ये स्पष्ट होता है कि दूसरा भी मुझे सुखी करना चाहता है, दूसरा भी मुझे समृद्ध करना चाहता है, उसके अर्थ में है ये विश्वास, क्या ये ठीक रहेगा।
इसको ही थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और अधिक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक व्यक्ति है, दूसरे के बारे में अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति या करीबी दोस्त के बारे में पूछे, अपने में सरल सरल ये सवालों को पूछे और हम विश्वास को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर एक दो संच पूछे गए हैं प्रश्न के। जो पहला संच है, ये हमारी जो सहस्वीकृति है, हमारी जो चाहना है, उसके आधार पर है। तो चार प्रश्न है, हम इसको रिफ्लेक्शंस के सहारे से भी उसका आंसर्स ले सकते हैं। पहला प्रश्न यह है, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूं। दूसरा प्रश्न यह है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूं। तीसरा प्रश्न यह है कि दूसरा भी स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है। और चौथा प्रश्न यह, निरंतर सुखी करना चाहता है। आपको क्या लगता है, उसको आप पोल के थ्रू बता सकते हैं? सभी लोग रिस्पोंड करें, कुछ लोग रिस्पोंड अभी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके सामने एक रिफ्लेक्शन है, एक पोल क्वेश्चन आ रहा है, उसको करें। अगर करने में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 30 रिस्पॉन्सेस अभी तक आए हैं और ये 30 रिस्पॉन्स के साथ अगर देखा जाए 33 हुआ है, वो बढ़ते रहेगा, लेकिन अभी जो 33 रिस्पॉन्सेस है 52 में से, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है कि 100% लोग ये जो पहला प्रश्न है ना, उसको कह रहे हाँ, मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूं, तो 94% कह रहे हैं कि हाँ। और एक एक रिस्पॉन्स जो है वो कह रहे कि नहीं, या मैं कह नहीं सकता। तीसरा जो प्रश्न है, दूसरा भी स्वयं को सुखी करना चाहता है, 80% कह रहे हैं कि हाँ। एक व्यक्ति का कहना है कि नहीं, और 6 लोगों का कहना है कि हम कह नहीं सकते। दूसरा मुझे भी सुखी करना चाहता है, तो इसमें काफी जो फोरम है वो डिवाइड दिख रहा है, फ्लोर पे डिवीजन दिख रही है, क्योंकि 49% कह रहे कि हाँ, 9% नहीं, 43% का कह नहीं सकते। तो ठीक है, तो आप लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्स आए है, उस तरीके से हम स्लाइड्स में भी लगा देते हैं रिस्पॉन्स को। तो पहला हाँ, दूसरा हाँ, तीसरे में भी लगभग हाँ, चौथे में क्वेश्चन मार्क, कह नहीं सकते, क्योंकि 50% लगभग कह नहीं सकते हैं। दूसरे संचय को देखते हैं। ये जो संचय है, ये हमारी योग्यता के आधार पर है। पहला जो था वो सहस्वीकृति के आधार पर, चाहना के आधार पर, जैसा होना मुझे सहस्वीकार्य है। अभी ये जो प्रश्न है, जैसा मैं हूं उसके आधार पर है, इसको भी रिफ्लेक्शन से जानने का कोशिश करते हैं। चार क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है पहला, मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूं। दूसरा है, मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूं। इसको भी पोल से समझ लेते हैं। मैं स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता हूं, मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूं। तीसरा प्रश्न है, दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी कर पाता है। और चौथा प्रश्न है, दूसरा मुझे निरंतर सुखी कर पाता है। चारों भी क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं। अगर आपने आंसर किया है और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछे।
प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निरंतर मैं सुखी कर पाता हूँ, हर पल हर क्षण मैं सुखी अपने आप को कर पाता हूँ, मैं दूसरे को निरंतर सुखी कर पाता हूँ हर पल हर क्षण, है ना। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब मैं अपने में दुखी होता हूँ, या ऐसा क्षण नहीं होता कि मैं दूसरे को मेरे विचार दुखी कर देता हूँ, आहत कर देता हूँ। जी जी, मेरी ओर से रिस्पॉन्ड है, संभव नहीं है कि निरंतरता इसमें बनी रहे कभी, ऐसा मेरा विचार है। ठीक जी, लेकिन आप चाहते हैं, है ना, आप चाहते तो है। हाँ, बस ये चाहते हैं, लेकिन मेरे शरीर के माध्यम से, मेरी गतिविधि के माध्यम से हो सकता है मैं उसको निरंतरता में ना ला पाऊं, लेकिन भाव है। ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है ना। पहला जो क्वेश्चन हमने पूछा चाहना के बारे में, उसमें दिखाई दिया कि बहुत क्लैरिटी है हमें कि मैं निरंतर सुखी करना चाहता हूँ स्वयं को, मैं दूसरों को भी निरंतर सुखी करना चाहता हूँ। लेकिन अभी जो पोल चल रहा है तो उसमें पहले क्वेश्चन से ही जैसे एक क्वेश्चन मार्क बने रहे, क्योंकि 50-50 लगभग दिख रहा है, है ना। तो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लग पाया कि मैं निरंतर सुखी स्वयं को कर नहीं पाता हूँ। अब मैं स्वयं को सुखी कर नहीं पा रहा हूं, एक ये बात है। सुखी अगर मुझे करना है, मुझे सुखी होना है, तो वो तो डिपेंड करेगा मेरी अपनी एबिलिटीज के ऊपर, योग्यता के साथ, जैसा मैं हूं। इससे क्या दिख रहा है कि जैसा होना मुझे सस्वीकार्य है और जैसा मैं हूं उसमें गैप है। मैं कैसा होना चाहता हूं? निरंतर सुखी हूं, कैसा? कभी सुखी कभी नहीं, 50-50% है। ठीक, तो ये दोनों में गैप है। क्या हम इस गैप को देख पा रहे हैं कि मैं तो सुखी होना चाहता हूं लेकिन सुखी नहीं हो पा रहा हूं? जब मैं मुझ में सुखी नहीं होता हूं तो उस क्षण में मैं दूसरों को भी सुखी नहीं कर पाता हूं, भले मैं चाहता हूं दूसरों को सुखी करना, चाहना तो है मेरी, लेकिन मैं अगर मुझ में दुखी है तो उस क्षण मैं दूसरों को भी सुखी नहीं कर पाता हूं। ठीक, अब वहां पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। तीसरे क्वेश्चन को भी अगर देखा जाए, दूसरे सेट के योग्यता के आधार पर है, तो ये दूसरा भी स्वयं को निरंतर सुखी तो करना चाहता है लेकिन सुखपूर्वक जीने की योग्यता उसमें भी विकसित हो रही है, पूरी योग्यता विकसित नहीं हुई है, इसके चलते वो भी कभी सुखी और कभी दुखी रहता है। और दूसरा व्यक्ति भी जब सुख दुखी है तो उस समय वो भले ही मुझे सुखी करना चाहता है लेकिन वो सुखी नहीं कर पा रहा है और मैं दुखी होता हूं। मैं भी दूसरे व्यक्ति को निरंतर सुखी करना चाहता हूं लेकिन मैं अपने में सुखी नहीं रहता, तो उस क्षण मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूं लेकिन सुख नहीं कर पाता। क्या ये ठीक है कहना? देखिए, अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात हो क्या रही है। देखिए, पहला सेट अगर हमने जो देखा चाहने का सहस्वीकृति के आधार पर, तो 1A, 2A और 3A, ये तीनों क्वेश्चंस को सभी ने कह दिया हाँ। लेकिन जैसे ही हम 4A क्वेश्चंस पे आए तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क कहाँ लग गया? दूसरे की चाहना के ऊपर। मेरी अपनी चाहना की जब बात होती है तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं, दूसरे की चाहना की जब बात हो रही है तो मैं डाउटफुल हूं। मेरी अपनी योग्यता की बात अगर की तो मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि मैं खुद को सुखी नहीं कर पा रहा हूं लेकिन चाहता तो हूं। दूसरा भी सुखी नहीं कर पा रहा है खुद को, वो भी मुझे सुखी करना चाहता है लेकिन मुझे सुखी नहीं कर पा रहा है, वो देख नहीं पा रहे हम। लेकिन क्या हो रहा है कि दूसरे की योग्यता को देख रहे हैं और उसकी चाहना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे। लेकिन जब हमारी जब चाहना की बात आ रही है तो हम हमारी योग्यता के आधार पर नहीं कह रहे, हम हमारी चाहना के आधार पर कह रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर, हमारे हाथ से अगर ग्लास छूट गई तो
तो हम क्या कहते हैं, हाथ से ग्लास टूट गया, दूसरे के हाथ से अगर ग्लास छूट गई तो क्या कहते हैं, ग्लास तोड़ दिया, मैं घरों में दीवार में टकरा गया, तो मैं क्या कहता हूं, ध्यान रह गया, दीवार से टकरा गया। दूसरा अगर दीवार से टकरा जाए तो हम क्या कहते हैं, दिख नहीं रहा है क्या, मैं दूध को उबाल रहा हूं, है ना। कभी कभी ये हो जाता है कि वो ध्यान नहीं रहता है, दूध बर्तन से बाहर गिर जाता है, तो मैं क्या कहता हूं, ध्यान नहीं रहा, दूध उबल गया, बर्तन के बाहर आ गया। लेकिन वही अगर दूसरे से बात होगी तो हम क्या कहते हैं, दूध उबाल दिया, दूध गिरा दिया, है ना। उसको अगर दूध गिरा ही देना था तो बर्तन में डालकर गैस शुरू कर कर उबालने के लिए क्यों रखता, वो तो सीधा सीधा बर्तन का दूध नीचे गिरा देता ना, अगर गिरा ही देना था तो। मेरा अपना मोबाइल कहाँ रखा, मैं अगर भूल गया तो मैं क्या कहता हूँ, मैं भूल गया। लेकिन दूसरों से उन्होंने मोबाइल कहाँ रखा, वो अगर भूल गए तो हम क्या कहते हैं, भुलक्कड़ है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब भी दूसरे के बारे में अगर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसकी योग्यता को देखकर उनकी चाहना पे ऊपर डाउट लगा रहे हैं। जैसे मैं देर हुआ तो ट्रैफिक में फंस गया था, दूसरा अगर कोई देर आया तो ये जन्म से देर देर यू नो आने वाला आदमी है। ये जो हम जो कह रहे हैं, है ना, ये किस तरीके से कह रहे हैं कि हम उनकी योग्यता को देख रहे हैं, उनकी चाहना पे ऊपर डाउट लगा है। अगर मैं वह गलती 1000 बार भी करता हूं तो भी मुझे अपनी चाहना के ऊपर शंका नहीं आती है। देखिए ना, हम लोगों को भी अगर बचपन से देखा जाए तो हमारे माता पिताजी ने कुछ बातें कही होगी कि ये बातें आपकी ठीक नहीं है। उसके बाद में हम बड़े भी हुए, दोस्त भी कहने लगे, टीचर हमें वही कहने लगी कि ये बात ठीक नहीं है। शादी हुई तो पति पत्नी भी वही कहने लगी, बच्चे हुए तो बच्चे भी वो कहते हैं कि पापा आपकी ये बात ठीक नहीं है। 1000 बार 100 लोगों ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलती हमसे हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये लगता है कि मैं विशेष हूं, मैं तो अच्छा व्यक्ति हूं, इसलिए अपनी योग्यता को सुधारने का प्रयास नहीं करते। लेकिन दूसरे ने अगर कोई गलती कर दी तो हम तुरंत उसकी चाहना पर शंका करते हैं, वो जानबूझकर गलतियां कर रहा है। और जैसे ही जब ये आता है ना कि वो जानबूझकर कर रहा है तो एक विरोध का भाव आ जाता है, एक चीड़ना, गुस्सा होना, है ना, इस तरीके से बातें आती है और एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि दूसरा गलत है, वो सुधर नहीं सकता। लेकिन अपने बारे में जब भी निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष ये निकलता है कि मैं अच्छा हूं, सुधरने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो हो क्या रहा है, हम अपनी चाहना के आधार पर कंक्लूड कर रहे कि मैं अच्छा आदमी हूं, और बिल्कुल सही है, मूलतः हर मानव अच्छा ही है, अच्छे को समझकर अच्छा जीना ही चाहते हैं, तो हम ये जो कहना है ना कि मैं अच्छा हूं, ये तो बिल्कुल सही है, स्वाभाविक है, क्योंकि मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं। लेकिन वो अच्छे इंटेंशंस को डिलीवर करने के लिए वो ये जो योग्यता है उसको भी विकसित अगर मैं कर लूं तो सुखी जो होना चाहता हूं मैं सुखी भी निरंतर हो पाऊंगा और दूसरों को भी निरंतर सुखी कर पाऊंगा। मैं दूसरों को जानबूझकर दुख दे रहा हूं क्या, जानबूझकर मैं परेशान कर रहा हूं क्या, या गलती से हो जाता है। दूसरा व्यक्ति जब है वो जानबूझकर कर रहा है या गलती से हो जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। कभी 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 हम झूठ बोल लेते हैं, नहीं बोल लेते, कभी कभी यू नो हम चीजों को छिपाते या नहीं छिपाते। अब यही बात अगर दूसरे से हो जाए, जैसे हमने अगर स्वयं से पूछा कि मैं झूठ बात क्यों करता हूं, तो बहुत सारे रीजंस है ना, हम ये कहते हैं कि दूसरे के भलाई के लिए तो हमने झूठ कहा, हम थोड़ी बुरा करना चाहते थे, दूसरे के भलाई के लिए तो हमने चीजों को छुपा है। तो हम अगर कुछ कर रहे हैं तो हमारे लिए एक रीजंस होते हैं, है ना, कारण होते हैं कि उसके चलते। क्या लगता है, ये दूसरा व्यक्ति भी झूठ जानबूझकर बोल रहा है या उसका भी अपना कारण होगा? बच्चा मेरा जो है वो झूठ बोल रहा है ना, मैंने उसको पूछा कि पढ़ाई कर दी क्या, पढ़ाई नहीं की होती, वो कहता है कि पढ़ाई कर दी, तो जो झूठ बोल रहा
रहा है वो कुछ कारण से पूछ बोल रहा है या जानबूझकर बोल रहा है? बच्चे से पूछा जाए ना कि बेटा झूठ क्यों बोला, किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा तो कई कह देगा बच्चा कि अगर पापा को पता चलता था ना मेरी पढ़ाई नहीं की तो खूब पिटाई करते थे मेरी तो वो पिटाई से बचना चाहता है ना, लेकिन वो जानबूझकर कर रहा है क्या? इन सारी बातों को अगर हम ध्यान से देखा जाए तो इस बात की तरफ दिखता है कि चाहना पर शंका होना संबंधों में समस्या का मुख्य कारण है। चाहना पर शंका होना संबंधों में समस्या का मुख्य कारण है। संबंधों में होने वाली जो सामान्य गलतियां है ना वो ये है कि हम अपना मूल्यांकन अपने चाहना के आधार पर करते हैं, दूसरे का मूल्यांकन योग्यता के आधार पर करते हैं, और दूसरे के जीने में योग्यता की अगर कोई कमी है तो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह उसके चाहना पर लगा देते हैं। इसके चलते मैं उसकी चाहना पर शंका करता हूं, उसकी योग्यता में कमी को उसकी चाहना की कमी मानता हूं, मेरे अंदर विरोध का भाव आता है, फलता मैं चीड़ खींचता हूं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, मैं दूसरों से कई दिनों तक बात नहीं करता, अन्यथा संबंध को जो शारीरिक रूप से तोड़ लेता हूं। इसी तरह मैंने कई मित्र अच्छे मित्रों को खोया है ना, परिवारों में भी भाई को खोया है हमने, बहन को खोया है, कुछ परिवारों में तो ये भी दिखता है कि पिताजी को माताजी को भी इसी तरह से खोया है, पिताजी के साथ ही बात करना बंद हो गई है, माँ के साथ ही बातचीत करना बंद हो गई है, पति और पत्नी के बीच में भी यही हो रहा है ना। तो चाहना पर शंका होना संबंधों में समस्या का मुख्य कारण है। मेरी अपनी कल्पनाशीलता में अगर मान्यता है, ये विश्वास के प्रति क्लैरिटी नहीं है कि विश्वास का अर्थ यह है कि जो मेरी चाहना है वही दूसरी की चाहना है, चाहना के आधार पर विश्वास है ना, वो अगर क्लैरिटी नहीं बनी रही माफी के और उसके चलते माफी के साथ निवेदन कर रही हूँ कि पिछली स्लाइड को और समझना चाह रही हूँ मैं जी, इस वाली थोड़ा स्पीड फास्ट लगी ज्यादा मुझे इसकी, क्या और पीछे जाओ थी? नहीं नहीं बस इसी नहीं, हाँ, हाँ, जी, इसी के साथ ठीक इसी स्लाइड ठीक बढ़िया। तो देखिए हो क्या रहा है, जी जी ठीक ठीक है, क्षमा करे है ना, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ गति को। तो हो क्या रहा है कि जब भी मूल्यांकन की बात आती है तो जनरली दूसरे की योग्यता को देखते हुए उसकी चाहना पर हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, है ना, वो झगड़ा करना चाहता है। अब आदमी झगड़ा करना चाहता है या संबंध पूर्वक जीना चाहता है? तो चाहता तो वो संबंध पूर्वक जीना है, लेकिन संबंध क्या है वो नहीं समझा, संबंध के भाव क्या है वो अगर वो नहीं समझा है तो संबंध पूर्वक जी पाएगा क्या? अब ये योग्यता की कमी है, लेकिन प्रश्न चिन्ह लगा देते हम चाहना के ऊपर, कुछ चाहता नहीं है। जैसे हर व्यक्ति को अगर देखा जाए तो सही को समझना चाहता है, सही के अर्थ में जीना चाहता है। छोटे बच्चे भी ना 3-4 साल के, उनके साथ में अगर बातचीत कर दिए, शुरू कर दिए, एक प्रश्न के बाद में दूसरे प्रश्न, दूसरे के बाद तीसरा प्रश्न पूछते ही रहेंगे, इतनी जिज्ञासा। और उनकी जिज्ञासा को अगर हम शांत करते रहे सही उत्तर देते हुए, तो दिखता है कि पूरे अस्तित्व तक की जो वास्तविकता है उसको समझने के लिए प्रश्न है, एक के बाद एक प्रश्न। अब ये लेकिन कोई व्यक्ति उस बात को देख नहीं पा रहा है ना, वो समझ नहीं पा रहा है, इसीलिए उसके जीने में नहीं आ पा रहा है। लेकिन हम कंक्लूड क्या करते हैं, वो समझना नहीं चाहता है। मूलतः हर मानव सही क्या है उसको समझना चाहता है, सही जीना चाहता है। तो चाहना जो है ना, ये एक अलग बात है। योग्यता जो है वो मेरी इस क्षण में मेरे कल्पनाशीलता के जो कंटेंट है वो मेरी अपनी योग्यता है। इस क्षण में अगर मुझ में कुछ विरोध का भाव चल रहा है, मैं विरोध के भाव से जीना नहीं चाहता, चाहता तो मैं संबंध के भाव से,
लेकिन इस क्षण में अगर विरोध का भाव है, विरोध प्रदर्शित करता हूं लेकिन मैं चाहता क्या हूं, सुख पूर्वक जीना और दूसरों को भी सुख पूर्वक सुखी करना। अभी कमी कहाँ है, मेरी योग्यता में कमी है या चाहना में कमी है? तो दिखता है कि चाहना तो ठीक है, मेरे जैसा ही दूसरे व्यक्ति का है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की योग्यता में कमी है तो हम उसके चाहना के ऊपर डाउट लगा देते हैं। जैसे दूध उबल गया तो हम ये कहते हैं कि आपका ध्यान ही नहीं है, चाय में चीनी कम थी ना, महीने में 60 बार चाय अगर बनी है, सुबह एक बार शाम में एक बार, 60 बार बनी, 30 दिन है महीने में, इसमें से एक दिन चीनी कम गिरी, क्या लगता है ये जानबूझकर चीनी कम डाली है, जानबूझकर नमक कम डाला है, जानबूझकर मिर्च ज्यादा डाली है, या जब चीनी डालने की बात आई तब अपने कल्पनाशीलता में ध्यान नहीं था, ध्यान हट गया, भूल गए चीनी डाली या नहीं डाली। इतनी सी तो बात है, नमक डालते वक्त भूल गए, इतनी सी तो बात है। तो ये जो योग्यता की कमी है या चाहना की कमी है, लेकिन वो जो कर नहीं पा रहा है ना दूसरा व्यक्ति, जी नहीं पा रहा है, उसको हम मूल्यांकन करते हैं और ये कहते हैं कि वो चाहता नहीं है। तो ये जो चाहना पर शंका होने से संबंधों में समस्या है ना, ये मुख्य कारण है। और इसी के चलते बहुत सारी जो जी जी हम लोग क्या यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं? एक मैं केवल 5 मिनट में इस चर्चा को समाप्त कर देता हूँ, है ना, एक मोड़ पे आकर, फिर हम लोग मतलब ब्रेक आगे भी उसको शुरू यहीं से एक शुरू करके ब्रेक के बाद ऐसा भी कर सकते हैं। जी जी, एक पांच टाइम लेकर, बिल्कुल 5 मिनट केवल चाहता हूँ, है ना, सुबह की चर्चा थोड़ी सी भटक गई थी, 5 मिनट चाहता हूँ केवल, इसको एक संक्षिप्त एक समाप्त कर लूँ किसी जगह पर लाकर। लेकिन मेरी अपनी जो कल्पनाशीलता के जो कंटेंट है, मेरे अपने इच्छा विचार आशा में अगर चाहना के प्रति ही शंकाएं बनी है लोगों की, तो मेरे व्यवहार में भी वही आएगा। लेकिन उसके जगह पर अगर ये दिखाई दिए कि मैं बिना शर्त चाहना पर अगर मुझे निरंतर विश्वास है दूसरों के, और दूसरे की योग्यता में कमी पाते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? उनकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, खींचेंगे, क्रोध या गुस्सा करेंगे, या विरोध का भाव को रखेंगे? तो जनरली हम अपनी भी योग्यता को बढ़ाते हुए उनकी भी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और यह है जिम्मेदारी का भाव। लेकिन अगर दूसरे की चाहना के प्रति क्लैरिटी है और ये दिख रहा है कि उसमें योग्यता की कमी है, और अगर हम खींच रहे हैं, क्रोध हो रहा है, विरोध का भाव अगर रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि चाहना पर शंका है। तो ये प्रतिक्रिया है, और जब भी हम प्रतिक्रिया में जीते हैं तो वो अंतर विरोध दुख है, लेकिन जब जिम्मेदारी के साथ में जीते हैं, रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, ये रिस्पॉन्स और रिएक्शन है, तो रिस्पॉन्स को जब हम जीते हैं तो अपने में सुखी रहते हैं। इसके साथ एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ और उसके साथ हम ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको रिफ्लेक्शंस के साथ में भी देखेंगे और चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप अपने परिवार में, दोस्तों में कितने लोगों की चाहना सहज स्वीकृति पर विश्वास करते हैं निरंतर? इसका अर्थ क्या है कि कितने लोगों पर अपने परिवार में, चाहे तो रिफ्लेक्शंस बाद में भी ले सकते हैं, अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका अर्थ, इस क्वेश्चन का अर्थ यह है कि अपने परिवार में, दोस्तों में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी चाहना पर बिना शर्त निरंतर विश्वास है? इसको स्पष्ट कर देता हूं, कितने लोग हैं जिनके ऊपर हम कभी भी इरिटेट नहीं हुए हैं, उनके प्रति कभी भी गुस्सा नहीं आया है, उनके प्रति कभी भी विरोध का भाव हम में नहीं आया है, लेकिन हर बार यही एक बना रहता है कि उनकी चाहना भी मेरे चाहना की जैसी है, योग्यता की कमी है, जिम्मेदारी के साथ हम उनके साथ जीते हुए अपनी भी योग्यता और उनकी भी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो ये जो निरंतर है ना, ये निरंतर बिना शर्त
कितने लोगों के प्रति है। तो ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक में भी हम ये जो अपने में पूछते रहिए, जितनी भी चर्चा हुई है इसको हम अपने में जांच पर करते रहेंगे। जी दिलशाद जी बताइए। जी जी ठीक है, यहाँ पर ब्रेक हम लोग कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा विषय चल रहा है, और मतलब हम अपने आप को बहुत ज्यादा इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। कुछ चीजें जैसे पहले से भी समझ में आती हैं, और कुछ पे अभी अपने आप को ठीक करने की भी कोशिश हो रही है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, ये समझ में शायद इसलिए आता है कि घर का ऐसा माहौल ऑलरेडी पहले से ऐसा है कि बोली पर और अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना देने की बात पहले से ही हमें सिखाई गई हमारे माता पिता ने, कि आप जब कुछ बोलते हो तो बहुत ध्यान से बोलो, ध्यान से उसको सामने अपने सामने वाले को कम्युनिकेट करो। पर फिर भी कुछ कभी कभी होता है कि कई ऐसे परिस्थितियां या कई बार ऐसे कई मौके होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत अपना जो है एक या तो अपन ये कह सकते हैं ध्यान नहीं होता है, तो हम कई ऐसी चीजें शब्द बोल जाते हैं या कुछ कर जाते हैं। तो इस विषय में जो आपका भी विषय चल रहा है उसमें मुख्यतः हम यही कहना चाहेंगे कि सचमुच में हमें बोलते टाइम बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जैसा अभी आपने एग्जांपल दिया कि सामने वाले ने जानबूझ के कुछ नहीं किया, पर फिर भी हमने उसको बहुत बार इस तरह से बोल बोल के ये जाहिर कर दिया कि तुम तो जानबूझ के ही हर चीज करते हो, और यही शायद सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है रिश्तों के बिगड़ने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय। थैंक यू जी, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, हम सबका ध्यान गया है, हम सब रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं अपने जीने पे, अपने साथ जुड़ी घटनाओं से, बहुत अच्छी बात है जी। हेलो हेलो जी, विष्णु जी बताएं। मेरे मन में एक नया भाव उत्पन्न हो रहा है, ये इसमें 9 भाव हम लोगों ने सूचीबद्ध किया हुआ है, तो सभी तो ठीक लगते हैं। एक जिज्ञासा है मेरे मन में कि दया नामक भाव भी जो उत्पन्न होता है, और यह भी जो है किसी अजनबी से रिलेशन जोड़ने में अपनी भूमिका निभाता है, कहाँ तक उचित है ये? क्या नाम बताया आपने? दया का भाव। जी फिर से बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कट गई। कौन सा भाव कहा आपने? मैंने कहा 9 तो ठीक लगते हैं, 9 भाव आप लोगों ने रखा है जी, मैं दया नामक जो भाव होता है वह भी जो है हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और बहुतों बार जो है किसी अजनबी के साथ में दया से प्रेरित होकर के हम उसकी मदद करते हैं, और आगे चल करके वो एक रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैं कहाँ तक ठीक हूँ जी? तो ये जो 9 भाव है ना, ये मानव संबंध में जो भाव स्थापित होते हैं उनको लिए रखा गया है। दया भी एक भाव है, और दया का भाव जो है ना, जब मैं मानव के रूप में समाज में भागीदारी करने जाता हूँ तो वहाँ दिखाई देता है, तो उसको भी अध्ययन कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम प्रेम के मूल्य के साथ जीते हैं तो 3 भाव हमारे आचरण में दिखाई देते हैं, दया, कृपा और करुणा। तो ये भी 3 भाव है जो सहज स्वीकृत है, परंतु इसको संबंध में भाव ना कह करना, यदि हम देखें तो एक मानव के रूप में समाज में भागीदारी करते हुए ये भाव दिखाई देते हैं। ठीक बात है, इनको भी अध्ययन कर सकते हैं। संबंध बनाता है दया जो है मानव से मानव का रिश्ता है ना, है ना, दया भी है, कृपा भी है, करुणा भी है जी। तो उनको नहीं देखा तो मुझे याद आया कि यहाँ दया जो नहीं है। थैंक यू जी। जी जी अनीता जी कुछ कहना चाह रही है? नहीं सॉरी, गलती से रह गया होगा, अभी मैं लगातार चिंतन की प्रोसेस में हूँ, देख पा रही हूँ जी। किन्हीं का और कोई शेयरिंग हो?
मुकेश जी का भी माइक अनम्यूट है तुम्हारे लिए। मुकेश जी, मुकेश जी बताएं। मैं इसकी बाद वाली स्लाइड देखना चाहूंगा, उस चाहूंगी, उसी पर मेरा मन होगा। इसके बाद वाली सर। इसकी भी नेक्स्ट सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हेलो जी, जी तो जब भोजन की बात चली थी, जी जब भोजन की बात चली थी तो भोजन में देखा जाता है जब सास बहू की बात आती है तो बहू जो है वो सास को बहुत अच्छे से भोजन परोस रही है, सास को भोजन भी चाहिए, लेकिन सास की मतलब ये रहता है कितनी अच्छे से परोस दे, कितने अच्छे भावों से परोस दे कि ये जो बहू है इसने मुझे अच्छे से नहीं परोसा, वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही लेती। तो ऐसे समय में क्या किया जाए बताओ। ये जो बात हो रही है ना विश्वास की, उसमें दो मुद्दों पे बात है। आप म्यूट कर लीजिए, इको हो रहा है जी। तो इसमें दिखता है कि हमारे व्यवहार में दो चीजें हैं, एक तो मेरी चाहना और दूसरी योग्यता। तो ये जो बहुत सारे उदाहरण हम लेते हैं ना, उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की योग्यता में कमी को दिखा रहा है कि भोजन ठीक से नहीं परोसा गया। बहू भी कोई कमी दिखा सकती है ना मदर इन लॉ के बारे में, उन्होंने ऐसा ठीक नहीं किया। परंतु ये देखने की बात है कि जो हम एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं उसमें सिर्फ हम उसके अयोग्यता का आकलन कर रहे हैं, उसकी चाहना को नहीं देख पा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन ठीक से नहीं परोस पा रहा एक बात है, परोसना नहीं चाहता ये अलग बात है। तो जो सामने उदाहरण रखा गया ना कि गिलास टूट गया, तो जब हमसे टूटता है तो हम कहते हैं मुझसे टूट गया, दूसरे से टूटता है तो हम कहते हैं तोड़ दिया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कहीं हमने मान लिया कि दूसरा गिलास तोड़ना चाहता है। वैसे ही भोजन परोसना चाहता है नहीं चाहता है, सही विधि से अगर ये बात हमको स्पष्ट हो जाए तो फिर हम उसके लिए एक हेल्प हो जाते हैं कि अगर भोजन सही से परोसना चाहता नहीं परोस पा रहा तो क्यों नहीं परोस पा रहा उसको समझेंगे, उसको ध्यान आकर्षण करा देंगे, उसको ध्यान दिला देंगे, उसमें सहयोगी हो जाएंगे ताकि भोजन ठीक से परोसा जाए। अगर उसके भोजन ठीक से ना परोस पाने के कारण या ना परोसने में हमारी कोई अपनी भागीदारी है, हमारी कोई चूक हो रही है, तो हम उसको भी ठीक करेंगे। तो ये चाहना और योग्यता, इन दोनों को अलग अलग ठीक ठीक समझने की जरूरत है। अभी इन दोनों को मिक्स कर देते हैं ना तो सारी समस्या है। ठीक है मुकेश जी, मुकेश जी अच्छा, वर्णा जी ने हैंड रेज किया है। जी नमस्कार सर। मैं यदि एक व्यक्ति के रूप में देख रही हूँ तो मैं इन सभी चीजों को अपने जीवन में फॉलो भी कर रही हूँ और हमेशा इसी शब्दों का यूज करती हूँ, जो मेरे साथ हुआ, मुझसे जैसे गलती हुई जो दूसरे से हुई मैं उन चीजों को स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन यदि मैं अपने आप को भारत देखती हूँ और फिर पाकिस्तान को देखती हूँ तो मेरे मन में वो भाव नहीं आ पा रहा है कि उसकी योग्यता या उसकी चाहना, तो यहाँ मुझे वो चाहना नजर आ रही है। तो मैं बड़े लेवल पे मतलब एक मानव के रूप में यदि सबको देखती हूँ तो वो अलग है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रूप में यदि देख रही हूँ तो मैं उस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा बताइए इस बारे में। देखिए व्यक्ति समझ में आ जाए तो व्यक्ति का जो समूह है परिवार उसको समझ सकते हैं, परिवार समझ में आ जाए तो समाज को समझ सकते हैं, उसी क्रम में देश को समझ सकते हैं। तो पाकिस्तान में कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, ना भारत में कोई एक व्यक्ति है, करोड़ों व्यक्ति उधर भी है, करोड़ों व्यक्ति इधर भी है। तो जब हम किसी देश का आकलन करने जाते हैं तो हम उसको ठीक ठीक आकलन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे ये देखने की बात है। इसलिए आदमी का अध्ययन शुरू करें, व्यक्ति के अध्ययन से शुरू करें, और आदमी का अध्ययन करना है तो अपने अध्ययन से शुरू करें। जैसे अपने से व्यवहार में गलतियां होती नहीं होती, क्या लगता है वरना जी? जी सर होती है ना, गलती करना चाहते हैं क्या? नहीं, फिर भी गलतियां होती हैं। अब इसके कारण यदि कोई व्यक्ति आपके विरोध में आ जाए आपकी गलती को पकड़ के, तो आपको स्वीकार होगा नहीं होगा? जी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप गलती करना नहीं चाहती हैं, गलती कर जा रही हैं। तो गलती कर रही है क्योंकि अगर मैं का जो हमने कल अध्ययन किया था तो बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमारे अंदर बनी हुई है, मान्यताएं कहीं ना कहीं हमारे कल्पनाशीलता को प्रभावित करती हैं, उससे हमारी गलतियां हो जाती हैं। तो कल्पना में अगर गलती हो गई, हमारे विचारों में गलती हो गई,
वो फिर व्यवहार में भी जाता है, कार्य में भी जाता है, आगे भी जाता है। और फिर यदि उसके आधार पर दूसरे ने गलती कर दी तो एक रिएक्शन का सीरीज बन जाता है। अब हम जब किसी व्यक्ति को देख रहे होते हैं तो हम उस पूरे रिएक्शन के सीरीज में कहीं एक जगह देख रहे होते हैं, ना तो चाहना को देख पाते हैं उसकी, ना जो ये एक दूसरे के प्रति रिएक्शन हो रहा है पूरा इसका इतिहास है उसको हम देख पाते हैं। इसी चीज को अगर हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर देखेंगे ना परिवार में, तो दिखेगा कि हमसे कोई गलती हुई जबकि हम गलती करना नहीं चाह रहे थे, उसने रिएक्शन में आके उसने कोई गलती की, हमने भी उसकी चाहना को नहीं देखा, उसकी गलती को देखा, और एक चेन सीरीज बन गया। और एक समय के बाद जाके घर में एक बड़ा युद्ध खड़ा हो गया। अब अगर हम युद्ध को पकड़ ले तो लगता है कि दोनों की गलती है या किसी एक की गलती, एक की गलती नहीं है, परंतु चाहने में अगर देखें तो दोनों शुद्ध हैं, साफ हैं। चाहने में कोई एक दूसरे को दुखी नहीं करना चाह रहा, परंतु मान्यताओं के कारण दुखी कर देगा। थैंक यू। दीप्ति जी कुछ कहना चाह रही हैं? दीप्ति जी आपका माइक अनम्यूटेड है, कोई और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? अभी ये पूरी जो चर्चा हुई उसमें मैंने जो अपने को देखा तो मैंने पाया कि ये बिल्कुल सही है कि मैं मुझसे गलती होती है तो मेरे आर्गुमेंट्स अलग रहते हैं क्योंकि मैं अपनी चाहना पे शंका नहीं करती हूँ, और दूसरों से होती है तो मैं उसकी योग्यता में कमी ना देखते हुए उसकी चाहना पे शंका करती हूँ। पर मैं अपने को इस तरह से भी देख पा रही हूँ कि मैं कुछ लोगों की चाहना पे शंका करती हूँ, कुछ की पे नहीं करती। जी। ये एक चीज मुझे नजर आ रही है। और एक चीज ये भी समझ में आ रही है जैसा कि आपने कहा कि अगर मेरे अंदर गुस्सा है, चिढ़ है, झुंझलाट है या कुछ है तो फिर संबंधों में मेरी तरफ से ये जाएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से हमने राजानंद संस्थान में समझा क्योंकि वहां यही है कि अगर आप आनंद में हैं तो बाहर आनंद देंगे और अगर आप दुखी हैं तो बाहर आनंद दुख वही जो आपके अंदर है वो बाहर करेंगे। तो तब से बहुत अच्छे से अपने को मैं देख पा रही हूँ कि मेरे अंदर क्या है और बहुत कुछ अपने उसमें से मैं हटा पाई हूँ और निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है हटा पा रही हूँ। पर यहाँ जब आपने इस चीज को देखा तो मैं अपने अंदर पा रही हूँ कि मैं कुछ लोगों पे की चाहना पे शंका करती हूँ अभी भी। थैंक यू। इसको थोड़ा मैं और क्लैरिफाई कर दूं कि ये कुछ लोगों की चाहना पे शंका होना, कुछ पे ना होना, इसमें अगर आप और ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि जिनके ऊपर हमको लगता है ना कि चाहना पे शंका नहीं है उनमें भी हो सकता है शंका हो, परंतु हमने एक मानना बना लिया, वहां पे एक मान्यता बना ली है उनसे इंटरेक्शन के द्वारा। ये जो एक बात लिखी हुई थी ना कि इच्छा और सहज स्वीकृति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो हम दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कई बार उसकी इच्छा के प्रति अवगत हो जाते हैं और उस इच्छा के प्रति जो अवगत हो जाते हैं हम उसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम उसके बारे में एक मान्यता बना लेते हैं कि चाहना भी ठीक ही है। तो पहले केस में जब हम चाहना पर शंका करते तो भी चाहना यानी सहज स्वीकृति और इच्छा के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं था, और जब हमने मान लिया कि उसकी चाहना ठीक है तो भी अंतर स्पष्ट नहीं है। इससे मौलिक काम जो होना है ना वो ये है कि हमको चाहना पे सहज रूप से स्पष्टता हो जाए। जब ऐसा होगा तो आपको दिखाई देगा कि मुझे एक व्यक्ति के भी अगर चाहना पे आश्वस्ति होती है तो सबके प्रति होती है, और यदि एक व्यक्ति की भी चाहना स्पष्ट नहीं है, उस पर शंका है, यानी हर एक के ऊपर हमारे अंदर कहीं ना कहीं शंका तो है भले ही वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। ठीक है नीता जी? हाँ। तो जिनके प्रति हमको लगता भी है ना कि चाहना पे शंका हट गई है उसको और अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि हमारी उस व्यक्ति वाली कंडीशनिंग हो गई है, जैसे जिनके साथ हम रहते हैं रोज रोज इंटरेक्ट करते हैं
तो हम उनके बारे में मान लेते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति की आदत पड़ गई है, ये व्यक्ति इतना ही सक्षम है, इससे अधिक नहीं कर पाता है, ठीक। और उसके आधार पर हम उसको चाहना के बारे में एक क्लीन चिट दे देते हैं कि हाँ ठीक है। परंतु उसी व्यक्ति के साथ अगर किसी दूसरे तरह की प्रतिकूल कठिनाइयां में आ जाए, कोई परिस्थिति बदल जाए, तो फिर से चाहना पर शंका शुरू हो जाती है। यानी अभी वहां समझना नहीं हुआ था, मानना ही हुआ था जी। और क्लियर हो पा रहा है जी जी, जी। एक मैं उसका उदाहरण देता हूँ कि जैसे घरों में ये होता है समान रूप से ना, कि बच्चे के प्रति माँ बाप के अंदर शंका उस तरह से नहीं होती और एक प्रकार से निर्वाह कर रहे होते हैं, परंतु जब बच्चे का विवाह हो जाता है, उसका अपना परिवार बन जाता है, तो नए ढंग से देखना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इसका चाहना बदल गया है और चाहना पे शंका शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली जिसको पहले चाहना मान रहे थे वो भी उसकी कल्पनाशीलता थी, योग्यता का एक आकलन था। बाद में जिसको चाहना मान रहे हैं वो भी उसकी योग्यता का ही आकलन है। इसलिए चाहना और योग्यता, इन दोनों के अंतर को समझना आवश्यक है जी। बढ़िया अंकिता जी, थैंक यू। देख पा रही हूँ मैं और अच्छे से उसको। बहुत अच्छा, आपके आनंद संस्थान ने काफी काम तो किया है जिससे आप लोग इस पूरी बात में रेडली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हाँ बहुत कुछ, बस ये लग रहा है हमें कि अल्पविराम से हमें जो समझ आई है वो समझ और गहरी हो रही है। जी जी बहुत अच्छा है। मतलब ये लगातार ये प्रक्रिया, क्योंकि वहाँ चीजों को हम देखते हैं तो वहां भी हम अपने आप को बहुत बेहतर कर पाए हैं, मतलब बहुत अच्छी समझ हमने बन पाई है। पर यहाँ हमारी समझ, आपसे जो चर्चा हो रही है उसमें उस समझ को गहराई मिल रही है और माइक्रो लेवल पर जाकर हम चीजों को देख पा रहे हैं और बहुत खुद से कनेक्ट हो पा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपकी पूरी टीम को। और कोई रिफ्लेक्शन हो तो ले सकते हैं, अभी अभी ब्रेक का टाइम है। जितेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था अभी 6 मिनट हैं तो एक दो और ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं या प्रश्न ले सकते हैं। हमारे साथी जिन्होंने अभी तक कुछ भी बात नहीं रखी, अगर वो कुछ रखना चाहें। मैं कहूंगा धीरेन्द्र भैया ने अभी तक कभी कोई शेयरिंग नहीं की और धीरेन्द्र भैया दिख रहे हैं अभी, आप काफी लंबे समय से 20 वर्ष से ऊपर से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ आपकी तरफ से शेयरिंग हो, कोई इंसिडेंट रिलेट करना चाहें आप इस विश्वास के भाव को लेकर। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तो विश्वास के भाव को लेकर के जब ये प्रस्ताव मेरे सामने पहली बार आया कि मैं सभी पे विश्वास करता हूँ और सभी मेरे पे विश्वास करते हैं, तो और ये बात आई कि मानना नहीं है जांचना है, तो पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं सब पे विश्वास करता हूँ, तो मैंने कहा हाँ ठीक है करता हूँ। फिर ये सोचा कि सब मुझ पे करते हैं विश्वास, तो मैंने कहा देखा देखा, मैंने कहा करते ही हैं। तो जब ये प्रस्ताव आया उसमें झाबुआ में काम करता था मैं, तो झाबुआ में, झाबुआ से करीब 18 किलोमीटर दूर एक जगह मेघनगर है, तो वहाँ मेघनगर में ये जो बात चल रही थी, और सुबह जो है हम और हमारी पत्नी वहाँ चले जाया करते थे बच्चों को स्कूल भेज करके, फिर लंच के टाइम में जब लंच होता था तो लौट के आ जाते थे और फिर बच्चों को लेकर के फिर वापस जाते थे। तो जब वापस लौटते थे तो हमारा जो ड्राइवर था एक ऊना, फिर वो बच्चे पीछे बैठ जाते थे और वो मैं आगे ड्राइव करते हुए चला जाता था। तो फिर जब ये बात आई कि इसको थोड़ा जांचना है, तो फिर मेरे कहा ठीक है जांच के देखते हैं। तो उस दिन जो है
पत्नी का सोचा, मेरे का पत्नी का तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का मैं करूँ, बच्चों से शुरू करते हैं। तो हम जब निकले अपने घर से तो मैंने जो है बच्चे पीछे बैठते थे, बैठे थे ड्राइवर को मैंने बोला कि तुम ऐसा करो तुम आगे गाड़ी चलाओ मैं पीछे बैठा हूँ, और जो हमारी पत्नी थी रश्मि वो तो खैर आगे बैठी थी पहले से ही। तो बच्चे दोनों बच्चे हमारे छोटे थे, उसमें काफी छोटे थे, तो उन्होंने जो है बोला कि पहले बोले पापा हमारे साथ बैठेंगे, मैंने कहा तो बैठ नहीं सकते क्या तुम्हारे साथ, पाँच दिन ही बैठी है। तो अब गाड़ी चली तो थोड़ी देर मैं सोचता रहा, फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा और भाई कैसा चल रहा है तुम्हारा, तो उन्होंने कहा ठीक चल रहा है पापा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े, मतलब एक राजगढ़ नाका है वहां तक पहुंचे, तो फिर मैंने बेटी से पूछा, फिर आगे फिर सर्किट हाउस आया, तो मैंने बेटे से कहा और बेटा तुम्हारा कैसे चल रहा है, तो बोले ठीक चल रहा है, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, सब ठीक है। अब इसके बाद वो 18 किलोमीटर की जो लगभग यात्रा थी वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा थी, क्योंकि उस मेरे पास मेरे बच्चों से बात करने के लिए कुछ नहीं था, मैं कहना तो उनके किसी दोस्त का नाम जानता था, और वो बच्चे भी चुप, वो जो हल्ला गुल्ला मचाते हुए हंसते खाते आते थे तो वो भी चुप और हम भी चुप, तो शर्मिंदगी तो मेरे को हुई, और तब मेरे को समझ में आया कि अभी तो मेरा मेरे बच्चों के साथ ही विश्वास नहीं जम पाया। और जैसा सामान्यता होता है कि ठीक है बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए, तो माँ थोड़ा प्यार दुलारती रहे और पिता जो है बीच बीच में एक आध बार जो है वो डांटता फटकारता रहे, कभी कभी शायद हाथ भी लगा ही देते थे, कभी 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 ज्यादा आवेश में रहते थे। तो उस दिन जो है मेरे को ये जांचने वाली बात समझ में आई और अपने विश्वास की बात समझ में आई कि मेरा तो अभी तो बच्चों को ही मुझ पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो औरों के साथ तो क्या ही होगा। और फिर कभी कुछ समय बाद शायद 2 साल बाद मेरी उज्जैन पोस्टिंग में एक दिन मैं बड़ी हिम्मत जुटा करके अपनी पत्नी से पूछ पाया कि भाई तुम्हें मेरे पे विश्वास है कि नहीं, तो और फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मुझे आप पर विश्वास है, और मैंने भी फिर वो हुआ। तो फिर विश्वास का मतलब मेरी तो ये स्टोरी है अपनी खुद की। धन्यवाद भैया। धीरेन्द्र भैया की मदद से हम लोग एमपी में कई जिलों में कई वर्षों तक काम कर पाए, आभारी हैं भैया के, इसके कारण काम एमपी में कई जिलों में फैला। किन्हीं और कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो यहाँ रख सकते हैं, ऐसे समय हो चला है, बात रखना शुरू कर देते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे थे, बात शुरू करें दिलशाद भैया। जी भैया कर सकते हैं, 12 बज गए है लगभग। सभी को नमस्ते। तो हम लोग विश्वास के भाव पे चर्चा कर रहे थे और ये 8 प्रश्न आपके सामने रखे गए थे, 4 प्रश्न जो आपकी चाहना से जुड़े थे और 4 प्रश्न जो आपकी योग्यता से जुड़े थे। ये तो दिखता है कि मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ और मैं दूसरे को भी सुखी करना चाहता हूँ, ये भी अनुमान बन जाता है कि दूसरा भी सुखी ही रहना चाहता है। परंतु जब ये प्रश्न उठता है कि क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है, तो हमारे अंदर एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, शंका हो जाती है। और हर संबंध में देखें तो कहीं ना कहीं ये शंका काम कर रही होती है, क्योंकि दूसरे की चाहना के प्रति आश्वस्ति नहीं हो पाती। गलती क्या होती है कि हम दूसरे की जो योग्यता में कमी होती है उसको कई बार ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसको आरोपित कर रहे होते हैं उसकी चाहना के ऊपर, तो उसमें अयोग्यता को देखते हैं और उसकी चाहना पर शंका करते हैं। ऐसे कई उदाहरण अभी उमेश भैया भी ले रहे थे ना, दूध उबलने का या क्लास टूट जाने का, ऐसे कई सारे उदाहरण देख सकते हैं। इनफैक्ट आप आज सुबह से अगर रिफ्लेक्ट करेंगे ना, मॉर्निंग से अभी तक, तो ऐसे कई उदाहरण आ गए होंगे सामने। आपका कोई कॉल आ गया, आप कमरे से बाहर चले गए, लाइट फैन ऑन रह गया, और कोई कहे कि भाई लाइट फैन ऑन है, तो आप कहते हैं भाई कॉल आ गया, पहले कॉल पिक करें कि लाइट फैन ऑफ करें, आपके पास एक्सप्लेनेशन होता है कि लाइट फैन क्यों ऑन है। बट यदि आप किसी दूसरे कमरे में गए और नहीं है और लाइट फैन चल रहा है, आप तुरंत कहते हैं कि लापरवाह हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, इतनी बात कहने के बावजूद भी बिजली का बिल इतना बढ़ता जाता है, बट आप समझते नहीं हो, और हम तुरंत उस पर इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, हम वहां पर ये नहीं देख पाते कि उसकी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसा नहीं कि लाइट फैन ऑन रखना चाहता होगा, रह गया होगा। ऐसे आप दिन भर में देखेंगे कम से कम 10 इंसिडेंसेस आपको दिखाई देंगे। कॉलेज में आप आते हैं, स्कूल में आते हैं, अपने दफ्तर में आते हैं, जो भी आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, अगर उनके बारे में देखें तो ऐसी बहुत सी चीजें ध्यान में आएंगी। हम लेट हो जाते हैं, हमको लगता है कि ट्रैफिक ज्यादा थी इसलिए लेट हो गए, अगला लेट आता है तो हम कहते हैं लेट लतीफ है, उसके ऊपर तुरंत हम कोई ना कोई एक जजमेंट डाल देते हैं। तो ये कुछ ऐसी मौलिक चीजें हैं जिस पर जितना ध्यान देंगे संबंधों में उतनी स्पष्टता होगी। तो दूसरे के बारे में हम तुरंत कुछ ना कुछ आरोपित करते हैं, तोड़ दिया, लाइट
जलता छोड़ दिया, लेट लतीफ है, समझ ही नहीं सकता, ऐसा है वैसा है, क्या होता है कि दूसरा एक बार भी गलती कर देना उसकी चाहना भी शंका करते हैं और कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि जानबूझकर गलतियां कर रहा है, और फिर ये सब अपने आप पे चिढ़ना, गुस्सा आना, ठीक, और एक बार के बाद तो हम ये मान ही लेते हैं कि अगला व्यक्ति सुधर नहीं सकता, जबकि अपने बारे में दिखते हैं तो दिखता है कि भाई कोई भी गलती हो जाती है हम तुरंत एक्सप्लेनेशन ले आते हैं। इनफैक्ट दो लोग अगर आपस में आर्ग्यू भी कर रहे हो तो आप ध्यान से सुनिए, दोनों अपनी अयोग्यता को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, परंतु दूसरे की अयोग्यता को एक्सप्लेन नहीं कर रहा होता कि तुमसे ऐसा क्यों हो गया। आप इसको ऑब्जर्व करिए डे टू डे लाइफ में, कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में विवाद हुआ हो और आपने दूसरे से कोई गलती हुई उसको एक्सप्लेन किया हो कि क्यों गलती हो गई तुमसे, और दूसरे ने आपके बारे में एक्सप्लेन किया हो कि आपसे क्यों गलती हो गई। जनरली ये होता है कि दूसरे से कोई गलती हो गई तो हम दूसरे की गलती पकड़ते रहते हैं, हमसे कोई गलती हुई तो उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ऐसा कब हो पाता है कि दूसरे की गलती को एक्सप्लेन करें कि नहीं और ये बता पाए कि तुम्हारी चाहना ऐसी नहीं थी, गलती हो गई। इसको थोड़ा रिकलेक्ट करिए, पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ऐसा कभी हुआ क्या कि दूसरे से गलती हुई तो हमने दूसरे की गलती को खुद से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया दूसरे के सामने कि ऐसा नहीं चाह रहे थे आप, आपसे हो गया क्योंकि ऐसा था। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लगता है ऐसा हुआ है, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं चैट में, कि दूसरे से कोई गलती हो रही है और हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे से गलती क्यों हो गई जबकि चाहता नहीं था। ज्यादातर समय ये होता है कि जब हमसे गलती हो जाती है तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्यों नहीं चाहते थे। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें ना, तो ये होता है कि अगर वही गलती 100 बार भी मैं स्वयं करता हूं तो अपनी चाहना पे कभी शंका नहीं होती और अपने बारे में यही कहते हैं कि मुझसे तो गलती हो जाती है, तुम गलती करते हो मुझसे गलती होती है, और फिर हम मान लेते कि मैं कुछ विशेष हूं, है ना, तो अपने आप को हम विशेष मानते हैं, ना चाहने के बाद गलती होती है, नहीं मैं विशेष हूं। दूसरा जानबूझकर गलती कर रहा है, इसका मतलब बाकी सारा समाज वैसे ही है, मैं कुछ विशेष हूँ, तो मैं तो अच्छा हूँ ऐसा मानकर हम अपने में सुधार करने का भी प्रयास नहीं करते। और समाज अगर परिवार में देखें तो यही शिकायत है कि दूसरा सुधर नहीं रहा, दूसरा ध्यान नहीं दे रहा, दूसरा बात नहीं सुन रहा, दूसरा मेरी बात नहीं मान रहा। इस पे कोई किसी का रिफ्लेक्शन, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, ये बात ठीक है, क्या लगता है? तो चाहना पे शंका होना संबंधों में समस्या का मुख्य कारण है। आप देखिए किसी भी संबंध में जो समस्या शुरू हुई कहां से हुई, अभी हम लोग परिवार में इतनी सारी समस्याएं देखते हैं, उसको देखना शुरू करिए कि समस्या कहां से शुरू हुई। इस पर एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं, भैया ये रिफ्लेक्शन लिया गया था क्या? लिया जा चुका है। अच्छा, लिया गया भी। तो संबंध में होने वाले अगर सामान्य गलतियों को देखें तो मैं अपना मूल्यांकन अपनी चाहना के आधार पर करता हूँ, दूसरे का मूल्यांकन उसकी योग्यता की कमी के आधार पर करता हूँ, इतना बड़ा गैप है कि जब अपना मूल्यांकन करते हैं तो चाहना को देखते हैं, ठीक, बट दूसरे करते हैं उसकी योग्यता की कमी के आधार पर देखते हैं। मैं उसकी चाहना पर शंका करता हूँ, उसकी योग्यता की कमी को उसकी चाहना की कमी मानता हूँ, उसके कारण क्या होता है मेरे अंदर विरोध का भाव आ जाता है, फलता चीड़ होना, खीज होना, क्रोध होना, गुस्सा होना, आगे बढ़ते बढ़ते विरोध का भाव होना, प्रतिशोध का भाव होना, युद्ध होना, कलह होना, ये सब चलता रहता है। मैं दूसरे से कई दिनों तक बात नहीं करता, संबंध तोड़ लेता हूँ, और इस प्रकार से आप देखेंगे तो कई बार हम लोगों ने कई सारे मित्रों के साथ संबंध खो दिए होंगे, अपने कुटुंब में आप देखें, एक्सटेंडेड फैमिली में, तो हमने किसी ने हमको शादी में बुलाया, हम चले गए, वो हमारे बुलाने पर नहीं आया, हमने तुरंत शंका कर ली, हमने निर्णय लिया कि आगे से इनको कभी नहीं बुलाना है। ऐसा देखिए तो परिवार में होता रहता है, और ये सब जो पाइलअप होती रहती है लेयर बाय लेयर ये सब पाइलअप होती रहती हैं, और एक समय के बाद स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। बट मूल में क्या है, चाहना पर शंका हो जाना, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मुख्य कारण है समस्याओं का। ये प्री कंडीशनिंग, एक मान्यता है, ये चाहना के बारे में कुछ मान लेते हैं।
इसमें ये तो तीन चीजें हैं ना जिसपे हम लोग कल बात कर रहे थे कि हमारी कल्पनाशीलता के तीन स्रोत हो सकते हैं, एक तो मेरी सहज स्वीकृति, दूसरा कोई मान्यता, तीसरा कोई संवेदना। तो अगर हम अपनी कल्पनाशीलता का ध्यान करते हैं तो पाते हैं हम खुद अपने आप में ही बहुत तरीके से मान्यता ग्रस्त हैं या संवेदनाओं के दबाव प्रभाव में, हम खुद ही अपनी चाहना के अनुसार नहीं जी रहे। तो खुद अपने बारे में देखेंगे तो दिखेगा कि भले हम सुखी होना चाहते हैं, हर क्षण अपने आप को सुखी नहीं रख पाते, हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, हर क्षण सुखी नहीं कर पाते। ये तो मेरी अयोग्यता हुई ना। यही बात उलट के आप देख लें तो दूसरे पर लागू होती है। इनफैक्ट आप उन अगर 8 प्रश्नों को देखें तो आपको दिखाई देगा कि 1A जो है वो 3A का रिफ्लेक्शन है, 1B जो है वो 3B का रिफ्लेक्शन है। मैं अपने लिए स्वयं हूँ, दूसरे के लिए दूसरा हूँ, दूसरा अपने लिए स्वयं है, मैं उसके लिए दूसरा हूँ। कई बार क्या होता है जब लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और चाहना पे शंका बनी हुई है तो शब्द हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि एक एक शब्द को लेकर, एक एक व्यवहार को लेकर है ना संबंधों में खाई पड़ जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कानपुर में एक BSSD कॉलेज है, उसके एक प्रिंसिपल रहे और काफी हट्टे कट्टे व्यक्ति थे, स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते थे, वर्जिश किया करते थे। तो उनको 70 साल की उम्र में एक बार हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कुछ बाईपास सर्जरी वगैरह हुआ, लौट कर आए। तो हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये इतने बुजुर्ग और स्वस्थ व्यक्ति थे है ना, कैसे इनको हार्ट अटैक आ गया। तो हम लोगों ने जाकर उनसे पूछा क्या हो गया, आप तो इतने स्वस्थ थे, इतना योग व्यायाम किया करते थे, हार्ट अटैक कैसे हो गया। तो उन्होंने थोड़ा सा मन महसूस के कहा कि क्या बताएं, तुम्हारी आंटी जो है कभी कभी ऐसी बात कह देती कि सहन नहीं होता। तो हुआ ये था कि कुछ दिनों पहले कलकत्ते से कोई मित्र आए थे, उन्होंने कुछ पैसे का सहयोग मांगा था, इन्होंने पत्नी से बात किए बगैर उनको पैसे का सहयोग दे दिया, इससे पत्नी काफी आहत हुई, उन्होंने कुछ कड़वे शब्द कह दिए और वो इतनी पीड़ादायक हो गया कि उनको हार्ट अटैक आ गया। अब शादी को 40 वर्ष हो चुके हैं है ना, परंतु ऐसा शब्द सुनने में जब आया तो उनको हार्ट अटैक हो गया। उनसे पूछा गया कि ये बताइए जो पत्नी ने शब्द कहे इससे आपको हार्ट अटैक आ गया, आप दुखी हो गए, या फिर शब्दों को सुनकर आपको उनकी चाहना पे कोई शंका हुई इसलिए ये घटनाएं हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, शब्द ही इतने कड़वे थे कि बर्दाश्त नहीं हुआ, चाहना पे शंका क्यों होगी, 40 साल से पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। तो उनसे कहा गया ठीक है, अगर यही कड़वे शब्द अगर किसी पागल व्यक्ति ने बोले होते तो क्या आप इसी तरह आहत होते। तो उन्होंने कहा सोच के थोड़ा कि नहीं, तब तो मैं आहत नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? तो उनका हाँ, कहीं ना कहीं मुझे उनके चाहना पर शंका है। अब आप देखिए तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम कई वर्षों तक साथ साथ रहते हैं परंतु शायद ही कभी आपस में बैठकर एक दूसरे की चाहना को स्पष्ट करते हैं। क्या लगता है परिवार में कभी हम साथ साथ बैठकर एक दूसरे की चाहना को जानने काम करते हैं क्या? कोई रिस्पॉन्स दे सकते हैं चैट में? क्या हम साथ साथ बैठकर एक दूसरे की चाहना को जानने का समझने का प्रयास करते हैं क्या? जी मुकेश जी कह रहे हैं नहीं करते हैं, इंद्रपाल जी कह रहे हैं नहीं करते हैं, वर्मा जी कह रही हैं ओके करते हैं। अभी आप देखिए ना कि हम लोग साथ साथ बैठते भी हैं परिवार में तो हम लोग क्या बातें करते हैं, इस वीकेंड पे कहाँ जाएंगे है ना, या कब क्या करना है, कहाँ कैसे जाना है, आना है, खाना है, पीना है। ज्यादातर समय हम कार्यक्रमों की बात करते हैं। चाहना को लेकर पूछते हैं क्या कि तुम मुझे सुखी करना चाहते हो कि नहीं? कितनी बार हमने पूछा होगा लाइफ में या बताया होगा कि हम दूसरे को सुखी करना चाहते हैं कि नहीं? समीरा जी कह रही हैं अक्सर करते हैं। ये देख लें अक्सर हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा बताते हैं या अपनी चाहना बताते हैं। इच्छा और चाहना में अंतर है, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, दूसरे की इच्छा जानने का प्रयास करते हैं या दूसरे की चाहना जानने का प्रयास करते हैं? कोई बताएंगे इच्छा और चाहना में क्या अंतर है? रमेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हंसने की भी बात कर रहा हूँ, गंभीर भी कर रहा हूँ। यदि मैं कहूँ आपकी चाहना क्या है तो पहले प्रतिप्रश्न होता है क्या आपको मेरी चाहना पर कोई शक है? अब बताइए, विवाद तो शुरू करा दिया
ठीक है, ये पहली बार में हो सकता है, परंतु अगर आप इस तरह की व्यवहारिक कंसिस्टेंसी को बनाए रखेंगे तो अगले व्यक्ति को दिखता है कि आप निष्ठापूर्वक संबंध को बेहतर बनाने का, सुखमय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी कि परिवार में ये वाली लाइन फिर वहां बुल लैग रह नहीं जाती तो। डॉक्टर कुमार जी, राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत डिपेंड करता है कि संवाद हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने अगर किसी दोस्त से बोलूं तुम चाहते क्या हो, तो ये बिल्कुल अलग बात हो जाएगी। और जब मैं बैठ के आराम से बात करता हूँ और बोलता हूँ कि आज हम लोग मन में क्या चल रहा है तुम्हारे बताओ, है ना, मैं कई दिन से देख रहा हूँ कि तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, मन में क्या चल रहा है। तो मन में जब क्या चल रहा है, तो हम लोग इस तरह से घर में बात करते हैं। हमारा 19 लोग की फैमिली है जी। और हमारे एक दो घर और भी हैं, बट हम उस घर में कोई रहने नहीं गया। उसका कारण ही था कि पापा को कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है देखेंगे, अभी पापा जब जाएंगे तब जाएंगे, पापा पुराने घर से जा नहीं रहे। तो पापा अक्सर मीटिंग्स करते हैं घर में और संडे बिल्कुल पक्का रहता है। तो वो कहते हैं और किसका क्या चल रहा है, तो किसका क्या चल रहा है, तो उसमें हर आदमी अपनी शेयरिंग करता है। तो उसमें ये निकल के आ जाता है कि एक्चुअली कौन क्या करना चाहता है और क्या कर रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है, तो उससे उसके काफी पक्ष निकल के आ जाते हैं। तो चाहना जो है वो काफी उजागर हो जाती है। थैंक यू सर जी। थोड़ा सा मैं इसमें और जोर दूं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग साथ में रहते हैं और पारिवारिक बैठक किया करते हैं हर हफ्ते। पिताजी को है ना एक प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं कि साथ में लेके बैठते हैं सभी लोगों को और जानने का प्रयास करते हैं किसकी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, उसको और थोड़ा गहराई दे सकते हैं अगर हम हर एक की चाहना को स्पष्ट होने के लिए और थोड़ा सा उसमें संवाद जोड़ लें, है ना। तो चाहना को पूछने का मतलब ये नहीं कि चाहना पर शंका कर रहे हैं, चाहना को स्पष्ट कर रहे हैं अपने आप के लिए भी दूसरे के लिए भी। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये बात जो उमेश भैया पहले भी रख रहे थे ना, कि यदि आप बिना शर्त दूसरे की चाहना यानी सह स्वीकृति पर निरंतर विश्वास करते हैं और दूसरे की योग्यता में कमी पाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो चाहना पे विश्वास होगा तो उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। दोनों में अंतर छूट गया सर, इच्छा और चाहना में आप अंतर बताने वाले। अच्छा अच्छा ठीक है। तो इच्छा देखें तो हमारी योग्यता का एक भाग है, इच्छा मेरी कल्पनाशीलता का एक भाग है, चाहना मेरी सह स्वीकृति है। तो इच्छा में मान्यता भी शामिल है, संवेदना भी शामिल है, मेरी सह स्वीकृति भी शामिल है। तो जो कुछ भी हो रहा है हमारे आचरण में, उन सब में हमारी इच्छा आधार में है। और ये दिख ही रहा है कि आचरण में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, व्यवहार में बहुत सारा गलती हो रहा है, कार्य में बहुत सारा गलती हो रहा है। हर व्यक्ति के साथ देखें तो व्यवहार कार्य में हमको गलती दिखाई देती है, उसके मूल में कहीं ना कहीं इच्छा में तो गलती है ही। तभी तो इच्छा से आगे बढ़कर विचार में जा रहा है, विचार से आगे बढ़कर आशा में जा रहा है, आशा से आगे बढ़कर व्यवहार कार्य में जा रहा है, जहां गलती हमको दिखाई दे रही है बाहर में। बड़े से बड़े अपराध भी जो होते हैं उनमें भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि इच्छा में गलती हो रही है, चाहना में कोई गलती नहीं है। हर व्यक्ति चाहे बड़े से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, जघन्य अपराधी क्यों ना हो, सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, परंतु सुख क्या है यह स्पष्ट नहीं है। अगर किसी ने संवेदना को सुख मान लिया तो संवेदना पाने के लिए अपराध करता है, किसी ने कोई मान्यता को सुख मान लिया तो उस मान्यता को पूरा करने के लिए अपराध करता है। समीरा जी कुछ कहना चाह रही है। तो इच्छा जो है ना वो आपकी कल्पनाशीलता का एक भाग है, चाहना आपकी सह स्वीकृति है, आपका इनेट पोटेंशियल है, आपका इनर कॉन्सेंस है। जी समीरा जी कुछ कहना चाह रही है। मतलब इच्छा जो है बुद्धि की उपज है और चाहना जो है दिल की उपज है। अभी उन दो शब्दों को न लाए, है ना, नहीं तो ये बात स्पष्ट नहीं होगी, बल्कि नए शब्द आ जाएंगे। न तो ये बुद्धि की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, अभी तो अपनी बात कर रहे हैं। तो अपनी चाहना को देखना शुरू करें। वो जो चार प्रश्न है ना जो लिखे हुए थे बाईं तरफ, अपनी चाहना, दूसरे की चाहना, आज आपको एक होमवर्क मिलेगा जिसमें आपको अपनी चाहना और अपने परिवार के दूसरे सदस्यों की चाहना को स्पष्ट करते हुए लिखना है। और उसको लिखने से पहले ऐसा नहीं कि उसको लिखने का काम तो आधे मिनट में हो जाएगा, सबके सामने हमने हाँ 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 लिख दिया, बट उससे बात पूरी नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा होगा अगर आप शाम को आज बैठे परिवार के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग कमरों में अलग अलग बैठ जाएं, मतलब व्यक्तिगत से संवाद करें और चाहना को पूछें, एक दूसरे की चाहना को जानने का प्रयास करें।
तो आपको दिखाई दे इच्छाओं में तो बहुत कुछ चल रहा है, उल्टा पुल्टा, मान्यता ग्रस्त है, संवेदना ग्रस्त है, तो चाहना उसे एक अलग बात हो सकती है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करें। इसमें समय लग सकता है, परंतु जितना जितना आप इस पर ध्यान देंगे उतनी उतनी आपकी जीने में योग्यता बढ़ेगी, आपके व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन होगा। अभी व्यवहार में इतना सारा इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज सब हमारे मिक्स रहता है, किसी के प्रति किसी का चेहरा देख के इरिटेट हो जाते हैं, किसी से बात करने से ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, किसी को याद करके ही बदले की भावना आ जाती है, किसी को सोचते हैं और विरोध भर जाता है अपने अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें से किसी की भी चाहना पर स्पष्टता नहीं है। अभी आप थोड़ा सा जितने भी लोगों के साथ आप जुड़ के जी पा रहे हैं उन सब के बारे में देखना शुरू करें, कितने लोगों के साथ आपको कभी भी विरोध का भाव नहीं आता, खींच चिड़ नहीं आता, ये चीज देखने का प्रयास करें। आप कम से कम 1000 लोगों से जुड़े होंगे, है ना, कितने लोगों के साथ ऐसा कि आप उनकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कितने लोगों के प्रति खींच, क्रोध, गुस्सा, विरोध का भाव, प्रतिशोध का भाव बना रहता है। हम ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके प्रति क्या रहता है हमारे अंदर, बी सी डी में से कुछ रहता है या ए रहता है? हमारे साथ के जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी क्या रहता है? जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग उनके साथ भी क्या रहता है? ये सब ऑब्जर्व करने के मुझे समीरा जी कुछ कह रही है। जी, मैं जो पिछला वाला हमारा स्लाइड था जिसमें हम डिजायर्स पे, थॉट पे और एक्सपेक्टेशंस पे बात कर रहे हैं और हम स्वयं को देख पा रहे हैं कि सहज स्वीकृति के साथ चाहना क्या होती है, पर ये एक बहुत रेगुलर प्रोसेस लग रहा है मुझे कि हम अपने आप को सहज स्वीकृति तक लेकर आते हैं और फिर कुछ दिनों बाद कोई ऐसी चीज हमको दिखती है या हमारी कल्पना में आती है जो डिजायर को पैदा करती है, फिर थॉट आता है, फिर हम एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं और ये अंतर्द्वंद या संघर्ष बना रहता है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें कैसे अपने आप को देखना होगा? प्रक्रिया तो वही है, जांच परख की प्रक्रिया। ये जो मान्यताएं हमारे अंदर बन गई है उनको आप जांच के देखें कि ये मान्यता क्या हमें सहज रूप से स्वीकार है। जो कल मैंने एक उदाहरण लिया था, जीते जी अपार संपदा, मरने के बाद मोक्ष, किसी के अंदर ऐसी एक मान्यता बन गई, अब उस व्यक्ति की इच्छा बन गई अपार संपदा की। अब वो भले ही दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीना चाहता है, अपार संपदा के लिए दूसरे का शोषण करेगा, परिवार के बाहर भी करेगा, परिवार के भीतर भी करेगा। तो पर इसमें जब हम थॉट और एक्सपेक्टेशन और ये सारे प्रोसेस में आते हैं तो कुछ हम अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं, कुछ सीखने की तरफ भी हम प्रेरित होते हैं, ये भी तो एक विषय आता है, है ना। तो उसमें ये देख लीजिए, मतलब मैं उदाहरण यहाँ मेरे मन में जो आया था, मेरा व्यक्तिगत उदाहरण है कि अगर मैंने कोई एक वीडियो देखा जिसमें बेहद सुंदर घर है और मेरे मन में ये आई चाहना कि मेरा घर भी इतना ही सुंदर हो, तो वहां तो मैं सहज स्वीकृति से ये अपने आप को तौल मोल लूंगी कि मेरी समृद्धि के स्तर पर कितना मैं कर पाऊंगी और कितना नहीं। लेकिन वो जो चाहना है, वो जो डिजायर है, वो तो मेरे अंदर पैदा हो चुका है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मे भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ करना है। तो ये जो प्रक्रिया है लगातार, ये मैं समझना चाह रही थी। जी, आपने जो स्टेटमेंट दिया ना, अगर आप खुद ऑब्जर्व करें तो चाहना और इच्छा मिक्स हो गया जी, है ना, यही गलती है। हाँ। आपने घर की चाहना की या घर की इच्छा हुई? जी, तो घर की इच्छा हुई। चाहना तो यह है कि आपके शरीर का ठीक से संरक्षण हो। हाँ, मतलब वो बेसिक पे ही हमको चाहना को रोकना होता है। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। चाहना यह है कि शरीर का पोषण, संरक्षण, सदुपयोग ठीक से हो और उसके लिए पर्याप्त सुविधा हो, ये चाहना है हमारी। उसको मकान से हम रिलेट करते हैं, है ना, और हमारे सामने कोई मकान का दृश्य आ गया, जो कल एक बात हो रही थी ना कि शहर में एक मकान का दृश्य आ गया और वो मकान हमको भाग गया और वैसे मकान की इच्छा बन गई हमारी, ये संवेदना से कोई प्रेरित इच्छा हो गई। पड़ोसी ने हमसे डबल स्टोरी का मकान बना लिया, हमारा सिंगल स्टोरी का मकान है तो हमको डबल स्टोरी का बनाना है, ये कोई मान्यता बन गई हमारी। अभी हमारी कल्पनाशीलता ऐसे ही संवेदनाओं और मान्यताओं से प्रभावित रहती है। चाहना में कोई हिलना डुलना नहीं है, चाहना तो यही कि मैं समृद्ध रहूं, मेरे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी हों। बट ये जो रेफरेंस हमने बाहर बना दिया ना, ये बाहर का दृश्य देखकर इच्छा बन जा रही है, ठीक है, ये समस्या है। इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि हम देखें कि हम चाहते क्या है।
ये जिस मकान का हमको मोबाइल में एक ऐप में फोटो दिख गया या किसी ने व्हाट्सएप पे भेज दिया कि उसने ऐसा मकान लिया है, उसको देखकर हमारी इच्छा बन गई, ठीक, हमने इस बात को तय किया क्या कि इस मकान में रहते हुए मैं निरंतर सुखी रहूंगी क्या, निरंतर समृद्ध रहूंगी क्या। आज एक मकान हमने फोटो के आधार पर चयन कर लिया, एक साल बाद किसी ने दूसरा फोटो भेज दिया, अब हमको पुराना मकान बेकार दिख रहा है, नई इच्छा है ना जी, ये अपनी कल्पनाशीलता पे काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये चाहना पे जो शंका है ना ये दूर हो पाएगी। जी ठीक है, पर इसमें जो प्रेरक का काम होता है, इस चाहना इच्छा जो है वो हमें कल्पनाशीलता और इच्छा जो है वो कुछ और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है, इस पे भी हाँ, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जो हम लोग कह रहे थे ना विकास करना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, परिमार्जन होना है। जी जी, वो परिमार्जन का मतलब ये हुआ कि समझ, संबंध और सुविधा तीनों के लिए काम करेंगे, ना कि सिर्फ सुविधा में लगे रहेंगे। ओके ठीक, हम बड़ा सा मकान ले रहते हैं उदाहरण के लिए, अभी ये देखिए करंट एग्जांपल चल रहा है कि दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन है दो लोग साथ नहीं रह पा रहे हैं। जी, है ना, डिवोर्स हो गया जी, और उसके लिए बहुत सारा बिटरनेस रोज न्यूज में आ रहा है जी, यानी सुविधा से सुख तो नहीं है, नहीं, उससे बड़ा मकान किसका होगा, अलग से एक हिल स्टेशन पे आइलैंड पे मकान बना के रहा जा रहा है, उससे बड़ा मकान तो कोई बनाएगा नहीं, उससे बेहतर तो कोई भी बनाएगा नहीं, उसके बाद भी साथ साथ सुखपूर्वक नहीं रह पा रहे हैं कि नहीं, ये तो दिखता है ना कि मकान के होने का संबंध के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है। डॉक्टर साहब एक प्रश्न यहाँ पे है जी, कि हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीजों को कोड करते हैं, हमने उनको कोड कर दिया क्योंकि वो बहुत रिच हैं और हमने उसको देके पूरी दुनिया को एक संदेश दे दिया कि सुविधाएं संबंधों का आधार नहीं होती हैं, पर करोड़ों अरबों लोग जो इन सुविधाओं के साथ बढ़िया जीवन जी रहे हैं उनको हम क्यों नहीं देखते हैं, हम क्यों एक दो या पांच या दस उदाहरणों को लेके ऐसे कोड करते हैं। जी, उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, इसलिए मैंने कहा कि संबंध और सुविधा का आपस में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, तो सुविधाओं के साथ भी हम संबंध पूर्वक जीते हैं, है ना, वो तभी होता है जब सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट होती है, संबंध के बारे में स्पष्टता होती है, तब तो जी पाते हैं। इसलिए अगर हमको सुखी रहना, निरंतर सुखी रहना है, तो उसके लिए हम अधिक से अधिक सुविधा संग्रह करें, ये कोई कार्यक्रम नहीं बनता। अगर हमें संबंधों में सुख सुनिश्चित करना है, उसके लिए हम अधिक से अधिक सुविधा संग्रह करें, ये कोई कार्यक्रम नहीं बनता। कार्यक्रम बनता है जहां से कल हमने बात शुरू की थी कि सुविधा की आवश्यकता भी स्पष्ट हो जाए, संबंध भी स्पष्ट हो जाए, ये जो विश्वास का भाव है संबंध का आधार है, अगर ये विश्वास का भाव हमको स्पष्ट हो जाए तब जाके हम सुखी रह पाएंगे। अगर मकान छोटा है जितने लोग रह रहे हैं परिवार में रहने के लिए, तो हम साथ साथ मिलकर एक बड़े मकान की व्यवस्था करेंगे, अगर संबंध ठीक होगा तो, अगर संबंध ठीक नहीं होगा तो बड़े मकान की व्यवस्था तो करेंगे, फिर अलग अलग कमरों में बने रहेंगे, बंद रहेंगे। जी बालवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इच्छा और चाहना मैं बात करना चाहूंगा सर जी, कि इसको बहुत ही गहराई से समझना होगा कि कभी कभी हम जैसे समझते हैं इच्छा और चाहना एक ही बात है, बसरते आज थोड़ा सा समझ आया कि चाहना एक अपनी जगह अलग बात है, इच्छा है तो चाहने में शायद गलती उसमें नहीं हो सकती जबकि इच्छाओं में गलती हो सकती है, तो इसको और अच्छे से समझना चाहूंगा सर मैं। इसके मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि जो इच्छा है वो मान्यताओं के आधार पर भी हो सकती है, संवेदनाओं के आधार पर हो सकती है ना, और आपकी चाहना के आधार पे भी हो सकती है। जी जी, चाहना अपने आप में एक निश्चित बात है, चाहना अपने आप में निश्चित है, इच्छाओं में बहुत सारा दबाव या प्रभाव काम करता रहता है, समझ के आता में मुझे लगता है जी, जो होना चाहिए वह चाहना है और जो वस्तुता होता है वह इच्छा है। ठीक है जी, मैं चाहिए शब्द का कहीं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ वर्कशॉप में, नहीं तो एक इम्पोजिशन हो जाता है, बट हाँ चाहते हैं हम जिस प्रकार से वैसा जी पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। डॉक्टर साहब एक और बात आ रही है जी, परसों कल या परसों आपने जाधव साहब ने कहा था मतलब जनरली क्या होता है कि जो दूसरा पक्ष है उसको हम क्या करते हैं उभारते हैं, जैसे किसी ने कहा था कि तलाक के मामले बढ़ रहे हैं लगातार, इसका अर्थ है कि संबंध खराब हो रहे हैं। मेरा इसमें एक प्रति प्रश्न पैदा होता है मेरे मन में कि एक टाइम था हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ पुरुष सत्ता प्रधान घर हुआ करते थे,
और जो पति देव कह देते थे वो फाइनल था, उसमें पत्नी को कोई अधिकार नहीं था, या था भी तो बहुत थोड़ा, घर के अंदर थोड़ा बहुत कह दिया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा महिलाएं शिक्षित हुई तो अब वो क्या करती हैं कि एक गरिमा के साथ अपनी बात को रखती हैं और उनकी बातें सही भी होती हैं, लेकिन हम उसको कई बार स्वीकार नहीं करते और हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तो क्या तलाक का बढ़ना, क्या संबंधों के टूटने को हम कहेंगे, या ये हमारे लिए एक बेहतर दिशा है, इसको भी मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो चाहना है वो तो उभय सुख की है, ये ठीक है? हाँ ठीक है सर, चाहना तो उभय सुख की है, तो ये तो निश्चित है कि डिवोर्स हो रहा है, मतलब उभय सुख तो नहीं है। उभय सुख नहीं है, बट जहां पर वो दोनों एग्जिस्टिंग है वो क्या, वो भी तो नहीं है उभय सुख। और ऐसा हाँ। भी हो सकता है कि जब डिवोर्स नहीं हो रहा है, साथ साथ रहे तो भी उभय सुख नहीं है। हाँ बिल्कुल, है ना। तो तय करने की बात यह है कि उभय सुख के लिए प्रयास किस विधि से करेंगे। तो संबंध को बनाए रखते हुए यदि हम दोनों पक्ष, है ना, समझ के लिए काम करें तो ज्यादा बेहतर कार्यक्रम होगा। साथ साथ रहें परंतु एक दूसरे के व्यवहार से आहत हो, दुखी हो, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है, डिजायरेबल नहीं है। डिवोर्स लेने ये भी डिजायरेबल नहीं है, है ना। साथ साथ रहते हुए यदि हम संबंधों को समझने का काम कर पाए तो उससे परिवार में भी एक, है ना, सुख का वातावरण बनेगा। परिवार से जो बाहर की और व्यवस्थाएं बनेंगी उसमें सुख का वातावरण बनेगा। तो डिजायरेबल तो यही है कि समझें, ना समझें, साथ साथ रहें, दुखी रहें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ना समझें, अलग हो जाएं, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। समझ कर साथ साथ जिए सुखपूर्वक, ये डिजायरेबल है। ये ठीक है सर? ठीक है सर। एक प्रश्न यहाँ आता है कि चाहना या इच्छा, डिफरेंस कौन पैदा करता है? देखिए क्या होता है ना कि ये जो सेल्फ का डायग्राम आपके सामने है ना, मैं का, तो मैं में एक डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो ऊपर वन और टू ब्लैंक रखा गया है ना, उसका मतलब ये है कि अभी सेल्फ का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है। तो जितना डेवलपमेंट हुआ रहता है उसके आधार पर वो व्यवहार करता है, कार्य करता है। और डेवलपमेंट कैसे होगा, इसी सेल्फ एक्सप्लोरेशन की विधि से, जांचने परखने की विधि से। अब ये जांचने परखने का जो काम है ये शिक्षा में विधिवत नहीं हो रहा, परिवार में विधिवत नहीं हो रहा। तो जितना मैं का विकास हुआ रहता है उसके आधार पर आचरण करता है। अब विकास इतना नहीं हो पाया है कि इच्छा जो है वो समझ के आधार पर हो, तो इच्छा बाहर से प्राप्त सूचनाओं और मान्यताओं के आधार पर बन जाती है, या शरीर से आने वाली संवेदनाओं के आधार पर बन जाती है। और कई बार जो वातावरण है वो गलत मान्यताओं को परोसने का, गलत संवेदनाओं को परोसने का काम करता है। तो ये जो मैं में, जहां उसके सहज स्वीकृति के आधार पर जीना होता, उसके बजाय ये बहुत सारे मान्यताओं और संवेदनाओं के दबाव में, प्रभाव में जीना होता रहता है, ये समस्या है जी। तो मेरा सवाल है जी, इसका मतलब ये है कि चाहना और इच्छा का डिफरेंस ही खत्म हो जाए। अभी मेरा प्रश्न दोनों में अलग, बिल्कुल, अब दोनों का यदि कोलैबोरेशन हो जाए तो इसका मतलब हमें सद्भाव पैदा हो जाएगा क्या? बिल्कुल, कोलैबोरेशन नहीं कहेंगे, हार्मनी हो जाए दोनों को, तो हम अलग, अच्छा, हार्मनी हो जाए जी। जी इच्छा बिल्कुल मेरी चाहना के आधार पर हो जाए, बस इतना ही करने काम है। जो हम लोग पहले दिन कह रहे थे ना कि जैसा मैं हूँ और जैसा होना मुझे सहज रूप से स्वीकार है, इन दिनों में भेद है, अंतर है, यही सारी समस्या है। तो जैसा मैं हूँ उसका आधार क्या, इच्छा। तो इच्छा जैसे मेरी सहज स्वीकृति उसके अनुसार हो जाए, यही तो सारा काम कर रहे हैं। पूरे वर्कशॉप में देखिए तो हम कोई नई बात नहीं कर रहे, कोई नया, कोई अलग से प्रयास नहीं कर रहे, बस यही कर रहे हैं कि हमारी इच्छाएं जो है ना हमारी सहज स्वीकृति के आधार पर हो जाए, बस उसके लिए बार बार सहज स्वीकृति को ध्यान दिला रहे हैं। कुमार भैया जी, थैंक यू सर जी, प्लीज थोड़ा बढ़ाना चाहेंगे आगे आप? हाँ हाँ, और जी। मेरा सवाल ये है जी कि चाहना और इच्छा, ये इनका व्यक्ति की उम्र से भी कोई रिलेशन है क्या? देखिए जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और सही शिक्षा नहीं मिलती, सही संस्कार नहीं मिलता, तो बहुत सारी इच्छाएं मान्यताओं के आधार पर या संवेदनाओं के आधार पर बनती चली जाती हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर मान्यताओं का प्रभाव कम है, संवेदनाओं का प्रभाव भी कम है, तो इच्छाएं भी सीमित है, थोड़ी सी है। जैसे एक्सपोजर बढ़ता है ये मान्यताएं बढ़ती चली जाती हैं, संवेदनाओं का प्रभाव भी बढ़ता चला जाता है, और इसके बीच का गैप बढ़ता जाता है।
जी इंद्रपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं चाह रहा था कि इच्छा और चाहना की बात तो समझ में आ गई। एक स्थिति और होती है कि हम जब दो उभय पक्ष पति पत्नी मान लीजिए साथ में रहते हैं और हमारी चाहना को भी हम समझते हैं और हम संबंध पूर्वक भी रहना चाहते हैं, परंतु हमारी गतिविधियां कुछ इस तरह की होती हैं जिससे हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती और उसके लिए भरसक प्रयास करने के बाद भी एक बनती है जब हम ये निर्णय लेते हैं कि अब अलग रहना ही हम दोनों के लिए सुख पूर्वक है। उस स्थिति को आप इस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहें। वही तो जो उद्देश्य हमने बनाया है ना, ये उद्देश्य हमने समझ कर बनाया है या किसी मान्यताओं के दबाव में बनाया है, ये देखने की बात है। तो जो बहुत सारे हम उद्देश्य बना लेते हैं ना, जैसे एक उदाहरण जो मैंने कर लिया, जीते जी अपार संपदा, अब एक उद्देश्य हमने बना लिया ठीक, अब वो दूसरे के साथ रह के पूरा नहीं हो पा रहा, अभी उद्देश्य अपने आप में गलत हो गया, ये उद्देश्य इच्छा में कहीं जाकर बैठ गया है। दूसरे ने भी कोई उद्देश्य बना लिया ठीक, अब वो उद्देश्य इच्छा में जाकर कहीं बैठ लिया है। तो उद्देश्य अगर हमारी चाहना के आधार पर हो जाए, समझ के आधार पर हो जाए, तो फिर भेद मिट जाएगा, फिर वो जो कठिनाई आ रही है संबंध में वो नहीं रहेगी। ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात गहरी है, इस पर जितना ध्यान देंगे और स्पष्टता बनेगी, थोड़ा सा समय की भी सीमा है, परंतु अच्छी बात है, जो प्रश्न आ रहे हैं बिल्कुल रेलिवेंट है और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर और क्लैरिटी बनेगी। इनको स्किप करके चलेंगे तो वस्तु तो पहुंच जाएगी आप तक, बट क्लैरिटी और थोड़ी नहीं बन पाएगी। जी नितिन जी का आखिरी प्रश्न लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। नितिन जी। जी नमस्ते भैया। तो हमें ये समझ में आया कि पूरा खेल सहज स्वीकृति का है और ये जब सेल्फ का विकास होता है तभी हम सहज स्वीकृति का भाव हमारे अंदर आता है, ऐसा है क्या? वही सेल्फ का विकास का मतलब ये हुआ कि सहज स्वीकृति हमको स्पष्ट हो जाती है। जी बिल्कुल जी, ओके थैंक यू। एक और प्रश्न आपके सामने रखा गया है, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें। एक प्रश्न आपके सामने रखा गया है, ये दिख रहा है आपको? कोई दूसरा गलतियां करता है क्योंकि वह योग्यता में कमी रखता है, कौशल में कमी रखता है, ऐसा ही है, बदल नहीं सकता, जानबूझकर करता है। मैं गलतियां करता हूं क्योंकि योग्यता में कमी रखता हूं, कौशल में कमी है, ऐसा ही हूं, जानबूझकर करता हूं। इसको रिस्पॉन्ड कर दें। तो इस पूरे एक्सरसाइज के साथ ये उपलब्धि हो सकती है, किसी वर्कशॉप को अटेंड करते हुए इस पर काफी क्लैरिटी बन जाती है और जितना आप इसको आगे जांचेंगे, जी कर देखेंगे, तो आपको हो सकता है ये चाहने पे जो शंका है नहीं मिट जाए। ये मिट गया, संबंध का आधार बन गया, नहीं तो हम साथ साथ तो होते हैं बट वो संबंध नहीं होता, जुड़ाव बना रहता है, कनेक्शन रहता है, बट रिलेशनशिप नहीं होता। वो तभी हो पाता है जब ये टिक मार्क लग जाए। तो इस पूरे एक्सरसाइज से हमको दिख सकता है कि जैसे मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, इच्छाएं मेरी भी गलत हो गई हैं, इच्छा अगले की भी गलत हो गई है, परंतु तो इच्छा का मुद्दा है, चाहना में कोई कमी नहीं है, और इच्छा जो है मेरी योग्यता का एक भाग है, अगले की योग्यता का एक भाग है। ये दोनों स्पष्ट हो पाते हैं हमको, सहज स्वीकृति क्या है और योग्यता क्या है, दोनों का अंतर स्पष्ट हो पाता है। इसको दोनों को देखते हुए चलें कि मेरी अयोग्यता और दूसरे की अयोग्यता है ना, इन दोनों को हम ठीक से आर्टिकुलेट कर पाते हैं। तो अगर हम लेट से अपना आकलन करें दूसरों के साथ जोड़कर, तो सकता है मैं यहाँ पे एक सेकंड इंटरफेयर करूंगी सर, ये योग्यता के लिए इंग्लिश वर्ड क्या होगा? कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, थैंक यू। जैसे मैं यहाँ पे हूँ है ना, एक उदाहरण के लिए, अब मेरी इतनी योग्यता है, मेरी कल्पनाशीलता में इतनी जो कल्पनाशीलता है वो चाहना से आ रही है या समझ से आ रही है, इतना भाग संवेदनाओं से प्रभावित है, इतना भाग मान्यताओं से प्रभावित है, ये मेरी स्थिति है, मेरी कल्पनाशीलता की स्थिति है। मेरे साथ वाला कोई व्यक्ति है ना, उसके साथ ये स्थिति है, ऑफिस में काम कर हमारा कोई कलीग है, उसमें समझ की कमी है, ये भाग बहुत छोटा है, बहुत सारा भाग उसका संवेदनाओं के दबाव में है
ना, एक भाग उसका मान्यताओं के दबाव में है, वो अलग तरह से दिखाई दे रहा है हमको, कल्पनाशीलता की स्थिति है। तीसरा कोई व्यक्ति है उसमें समझ ज्यादा है, उसकी कल्पनाशीलता काफी हद तक उसकी सह स्वीकृति के आधार पर है, परंतु संवेदनाओं का और मान्यताओं का एक छोटा सा हिस्सा वहां पे भी है। कोई चौथा व्यक्ति है, पांचवा व्यक्ति है, ऐसे आप देखें पूरे विश्व में 7.5 अरब व्यक्ति हैं। कुल मुद्दा इतना ही है अगर आप देखें तो, कि चाहना सभी की एक है, योग्यता में भिन्नता है, और योग्यता में भिन्नता भी कहाँ है, कल्पनाशीलता में भिन्नता है, समझ का कहीं कम अभाव है कहीं ज्यादा अभाव है। अगर पूरी समझ होगी, यानी जो येलो बनाया गया ना, ये जो पिछले डायग्राम में था, अगर ये कंप्लीट हो जाए हम सभी एक ही प्रकार योग्य होंगे। अगर ये कल्पनाशीलता पूरी तरह से सह स्वीकृति यानी समझ के आधार पर हो जाए हम सभी एक ही प्रकार से योग्य होंगे। नहीं है कि इतना सारा अंतर है, भिन्नता है। ये बात हमको दिख जाए कि मैं और मेरा स्पाउस दोनों के साथ बात यही है, चाहना एक है, इच्छाओं में बहुत सारा भेद है, क्योंकि इच्छाएं कहीं कल्प मान्यता से आ रही, कहीं संवेदना से, दोनों का अलग अलग बैकग्राउंड है। छोटा बच्चा है, उसकी अभी धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है, परंतु जितना उसको एक्सपोजर मिल रहा है उसके अनुसार उसकी अपनी एक योग्यता है। जो बुजुर्ग हैं उनका एक्सपोजर अलग ढंग से रहा है, अलग तरह के समाज में रहे, अलग तरह के वातावरण में रहे, उनकी अपनी एक योग्यता है। हम 10 लोग काम कर रहे हैं कॉलेज में, ऑफिस में, उन सबका अपना अपना एक बैकग्राउंड है, उसका अपनी अपनी योग्यताएं हैं लोगों की। चाहने में किसी कोई कमी नहीं है। क्या लगता है, ये बात दिख सकता नहीं दिख सकता? बताइए, चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं क्या? ना तो कोई दूसरा गलतियां करता है इसमें, अगर इस पोल को क्लोज किया जाए तो? जी, कई लोग देख पा रहे हैं कि योग्यता में कमी रखता है, बट कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कौशल में कमी है। देखिए, कौशल और योग्यता दोनों अलग चीजें। योग्यता समझ को कह रहे हैं, कौशल स्किल को कह रहे हैं। जैसे जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ ये समझ की बात है, इसको मैं हिंदी में कह रहा हूँ ये कौशल है, अंग्रेजी में कह रहा हूँ एक अलग प्रकार का कौशल है ना, महाराष्ट्र की लोकल भाषा में कोई बात की जाए एक अलग प्रकार का कौशल है। तो कौशल अलग चीज है, समझ अलग चीज है। बट तीन लोगों ने ये भी कहा है कि ऐसा ही बदल नहीं सकता, ये भी देखना शुरू करें किन लोगों को ऐसा लगता है, किनके बारे में ऐसा लगता है। और अपने बारे में अगर आपने मान लिया कि मैं भी ऐसा ही बदल नहीं सकता, इनफैक्ट एक सामान्य सी मान्यता आज के दिन बन गई है प्रचलित वातावरण में, सिस्टम में, कि आप किसी को बदल नहीं सकते। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उसमें मैंने फैकल्टी के लिए एक वर्कशॉप प्रपोज किया, तो मैं प्रपोजल लेकर गया, उसमें कुछ फंड्स की जरूरत थी, वाइस चांसलर से मिला, तो वाइस चांसलर ने कहा देखो तुम जितना प्रयास कर रहे हो अच्छा है, बट यू कांट चेंज पीपल। मैंने कहा मैम द होल एजुकेशन इज मेंट फॉर चेंजिंग पीपल, अगर हम लोगों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे तो एजुकेशन कैसे दे रहे हैं हम। तो उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा कि हाँ बात तो ठीक है। अभी हमको ये स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है कि बेसिकली एजुकेशन का काम ट्रांसफॉर्मेशन का है, स्किल डेवलपमेंट तो एक छोटा पार्ट है उसका। तो अब अगर हमको इतनी समझ हो जाए ना, तो अगर दूसरे से गलती से ग्लास टूटता है या टूटता है ग्लास, तो हम कह पाते हैं हाँ दुर्घटनावश टूट गया, जैसे मुझसे टूटता है। यदि दूसरा उसी गलती को 100 बार भी करता है, उसकी चाहना स्पष्ट रहती है, मैं जानता हूँ कि योग्यता में कमी कारण उससे गलती हुई है, ना कि चाहना कमी कारण। एक स्नेह के भाव के यानी संबंध की स्वीकृति के साथ मैं उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। वैसे जब मुझे भी अपने आप में गलती दिखाई देती है तो मुझे अपनी चाहना स्पष्ट रहती है, मैं जानता हूँ कि योग्यता में कमी कारण गलती हुई है, ना कि चाहना में कमी कारण। मैं अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, समझने और सीखने को तैयार रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दूसरे को समझने में कठिनाई हो सकती है और मुझे समझाने में कठिनाई हो सकती है। ये चाहना पर विश्वास होना ये परस्पर विकास की शुरुआत है। एक उदाहरण दूंगा, हम लोग कानपुर में ऐसा ही एक वर्कशॉप कर रहे थे, तो एक कपल आया करते थे वहां पे, उसमें एक संगीता जी थी, तो उन्होंने शेयर किया विश्वास की बात। जब हो गई थी तो चौथे पांचवें दिन का दिन समय था, उन्होंने शिविर में शेयर किया कि वो वर्कशॉप से जाकर रात को घर में भोजन बना रही थी, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे बरामदे में, तो किसी ने बॉल मारा होगा और कांच टूट के गिर गया, शीशे उसका खिड़की का कांच टूट के गिर गया। तो वो दौड़ के गई, जब कांच के टूटने की आवाज आई उन्होंने देखा
क्या हुआ, तो देखा कि कांच टूट के गिरा हुआ है, बच्चे क्रिकेट का बैट और बॉल लेके खड़े हैं। तो पहले तो उनको बहुत गुस्सा आया कि बच्चों ने फिर एक कांच तोड़ दिया, तब तक उनको ये सब चीजें याद आ गई है ना, चाहना, योग्यता, योग्यता। तो उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर कहा कि देखो बच्चों पीछे हट जाओ है ना, नहीं तो कांच तुम्हारे पैर में लग जाएगा, मैं आके कांच समेट लेती हूँ। फिर वो गई, कपड़ा लेकर आई, कांच को समेटा, जब जाने लगी तो बड़ा लड़का कहता है कि मारोगी नहीं? तो छोटा वाला कहता नहीं आजकल वर्कशॉप कर रही है। ये शिफ्ट को हमारे जीने में आने लगता है। एक और रिफ्लेक्शन लेता हूं आपसे यहां पर। तो मैं देख सकता हूं कि मेरी सहस्वीकृति है सुखी रहना, दूसरों को सुखी करना। मैं देख सकता हूं दूसरे की सहस्वीकृति भी ऐसी है, मेरे परिवार के सदस्य हो, दोस्त हो, है ना, कम से कम उनमें तो मैं देख सकता हूं। तो इसको और थोड़ा सा बात को आगे लेके जाएं, तो दिखता है कि चाहना पर विश्वास के साथ मैं दूसरे से अपने संबंध को महसूस करता हूँ। जब मैं दूसरे के साथ कार्यक्रम बनाता हूँ, मैं उसकी और अपनी दोनों की योग्यता का आकलन करता हूँ और हमारी वर्तमान परस्पर योग्यता के अनुसार मैं कार्यक्रम बनाता हूँ। तो अभी क्या होता है कि अगर हम चाहना पे शंका करें या चाहना पे आश्वस्ति न हो, तो कभी या तो हम उसकी योग्यता को बहुत ज्यादा मान लेते हैं उसे किसी अच्छे कार्य को देखकर, अच्छे व्यवहार को देखकर, या कोई चूक को देखकर बहुत कम मान लेते हैं। और फिर हम जब साथ साथ जुड़ के कोई कार्यक्रम बनाने जाते हैं, किसी का बिजनेस शुरू किया, किसी के साथ कोई है ना प्रोजेक्ट शुरू किया, अब वो ये क्लैरिटी नहीं है हमको चाहना की स्वीकृति, तो हम उसके योग्यता के आकलन में गलतियां कर लेते हैं। उसने पास में हमारे साथ कुछ अच्छा किया तो उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, पास में कुछ अच्छा नहीं किया तो बहुत बुरा मान लेते हैं। अब जब साथ साथ जी के काम करने जाते हैं, वो कार्यक्रम क्लियर नहीं हो पाता हमको कि आगे कैसे चलना है, क्योंकि उसकी चाहना पर शंका बनी रहती है और फिर हम उलझ जाते हैं। परंतु दूसरी तरफ यदि हमको आश्वस्ति हो जाए तो फिर हम समझकर कार्यक्रम बना पाते हैं। तो मैं निरंतर अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए समझने और सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। यदि दूसरे की योग्यता में कमी है तो मैं निष्ठापूर्वक बिना खींचे, बिना चिढ़े उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास कर सकता हूँ, है ना। ये परस्पर विकास की शुरुआत है चाहना आश्वस्ति के साथ, विश्वास के भाव के साथ। जी बालवीर जी कुछ कह रहे हैं। जी सर, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे समझ में जो आया कि चाहना और इच्छा, जैसे सपोज करो कि किसी मेरे मित्र ने या मेरे सहपाठी कोई काम कर रहा हो, किसी के लिए मैंने वर्क दिया, ऑफिस में मैं काम करता हूँ तो मेरा अधीन रहते हैं, उनको मैंने काम दिया और बसरते उन्होंने काम मेरे अनुसार नहीं किया, गलत कर दिया, तो अभी का ये विचार है तो लगता है कि उसने जानबूझ करके गलती, लेकिन अब समझ में आया है कि नहीं, उसकी चाहना में कोई कमी नहीं है, बसरते हो सकता उसके कौशल जो करने का ढंग था वो सही तरीके नहीं था, इस कारण से ऐसा हुआ है। तो क्या ये यही चीज है? हाँ, तो हम इस बात को देखिए, ये अगर हमको स्पष्ट रूप से दिखेगा तो हमारे अंदर एक आश्वस्ति का भाव बना रहेगा, बट यदि हमने विचार पूर्वक ये निष्कर्ष निकाला है ना, तो हमको फिर से हो सकता है शंका हो जाए दूसरे के ऊपर। तो करने का काम ये है कि जी जी, अभी क्या होता है कि बिना मतलब जो है ना कि सहज स्वीकृति का समझ, बिना समझ के साथ शायद हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं और उसके प्रति अपने विरोध उत्पन्न हो जाता है, अभी अभी की स्थिति में हो जाता है कभी कभी मतलब, लेकिन शायद इस तरह से होगा तो शायद हम वो समझ पाएंगे कि उसकी चाहना में कोई गलती नहीं है और जो काम कर रहा था उसे इतनी समझ नहीं थी, उस योग्यता में कमी के कारण ऐसा हुआ है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमारे 23 साथी ये कह पा रहे हैं कि मेरी सहस्वीकृति समान है दूसरे के, बट 3 लोग कह रहे हैं कि अलग है। मैं चाहूंगा जो लोग कह रहे हैं कि अलग है ना, अगर उनको कोई इसमें अपनी बात रखने को हो तो हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं, तब तक मैं एक दूसरा पोल शेयर कर देता हूं आपके लिए। अच्छा, यही पोल तक, ठीक है, आगे चलते हैं। तो आज के लिए जो होमवर्क है वो ऐसा है कि आपको अपने परिवार के सदस्यों की सूची बनानी है। अब प्रत्येक सदस्य से विश्वास के 8 प्रश्न पूछने हैं और उसका लिखना है उत्तर, वहां पर पूछने के बाद अपने आप से नहीं लिख देना है, संवाद करके लिखना है।
तो क्या मैं स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, क्या मैं दूसरे को निरंतर सुखी करना चाहता हूँ, क्या दूसरा स्वयं को निरंतर सुखी करना चाहता है, क्या दूसरा मुझे निरंतर सुखी करना चाहता है, और वैसी योग्यता को लेकर। और अब मूल्यांकन करें, चाहना क्या है, योग्यता क्या है। कई बार आपको दिखाई देगा कि ये जब हम इस तरह का संवाद शुरू करते हैं ना, तो अगले व्यक्ति को इतना तो पता लग जाता कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए। तो अभी तक जो उसका आपके प्रति एक मान्यता बना हुआ था उसमें भी परिवर्तन आता है कि व्यक्ति अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास तो कर रहा है, परिमार्जित करने का प्रयास तो कर रहा है, भले ही इस पे स्पष्ट उत्तर आपको ना मिले परंतु आपके प्रयास को तो सम्मान कर पाता है। जी, सत्य प्रकाश जी ने हैंड रेज किया। हाँ भैया, अभी जो बलबीर जी के प्रश्न के जवाब में आपने कहा कि चाहना पर विश्वास है जी सहस्वीकृति के आधार पे है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो विचार पूर्वक हमने वो विश्वास किया है जी तो गड़बड़ है। इसको जरा और स्पष्ट कर दीजिए, मुझे लगता है बहुत सारे प्रश्नों के जवाब इसी में समाहित हैं। है ना, देखिए चाहना पर स्पष्टता होगी तो सहज रूप से दिखाई देगा, उसके आचरण करने से पहले दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे अगर मुझे बात स्पष्ट हो जाए, मेरे देखने में आ जाए, समझने में आ जाए, तो हमें से हर व्यक्ति अपनी जगह बैठे बैठे कह सकता है कि धरती का हर मानव सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है। किसी घटना के बाद आकलन करने जाए इसकी जरूरत ही नहीं है, हमको दिख जाए कि हर मानव एक मैं और शरीर का सहअस्तित्व है और हर मैं में वही सहज सुखी होना चाहता है, सुखी करना चाहता है, तो उसमें किसी घटना के बाद विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तब कहेंगे कि हमारी समझ का हिस्सा बना जब मुझे सहज रूप से दिख जाए। अगर विचार करना पड़ रहा है यानी हमने समझा नहीं है, विचार पूर्वक विश्लेषण करके कोई निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष में कोई निरंतरता नहीं होती। तो आज एक घटना हुई, हमने विचार किया, निष्कर्ष निकाला और उसको हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है भाई चाहना में कोई गलती नहीं थी। फिर कल कोई दूसरी घटना घटी, उसका फिर से चाहना पे हमको शंका हो जाए, फिर विचार करना पड़े, फिर विचार करने के बाद फिर हमने उसको इग्नोर किया, ठीक है। ऐसा 3 बार 4 बार हुआ, फिर हमको अल्टीमेटली आवेश आ गया, इरिटेट हो गए, गुस्सा हो गए। इसका मतलब सहज रूप से मुझे नहीं दिखा है, समझा नहीं है मैंने, विचार पूर्वक माना है। समझ कर तो यहाँ बैठे बैठे हम सबको अपनी अपनी जगह बैठे बैठे धरती के हर मानव के बारे में स्पष्ट हो जाता है कि हाँ ऐसा ही है। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप को हमेशा मैं सुखी रखना चाहता हूँ, मैं दूसरे को हमेशा सुखी करना चाहता हूँ, स्वयं में स्वीकृति तो इसी बात की है, सहज रूप से तो यही स्वीकार है, तो यही बात तो हर एक लिए अप्लीकेबल है। मैं अपने लिए स्वयं हूँ, दूसरे के लिए दूसरा हूँ, ये बात मुझे अपने आप में अगर दिख जाए, दिखने वाला दिखना, अभी भी जो मैंने कहा ना एक तर्क है वहां, वो विचार है। विचार है मतलब अभी समझ में नहीं आया, समझ में आया यानी वो सीधे सीधे हमारे आचरण में आएगा, अलग से विचार नहीं करना पड़ेगा। सत्य प्रकाश जी, ये बात ठीक लग रही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक भैया जी। तो ये आज का असाइनमेंट है। तो क्या विचार का मतलब मान्यताओं में चले जाना है या अतीत के अनुभवों में चले जाना है? विचार का मतलब कि आप विश्लेषण कर रहे हैं और उसमें मान्यताओं का भी पुट हो सकता है, संवेदनाओं का पुट भी हो सकता है और थोड़ी समझ का पुट भी हो सकता है। बट विचार एक श्रम है, मेहनत करना पड़ रहा है, सहज रूप से नहीं दिख रहा, आराम में नहीं है। है ना, इसलिए विचार श्रम पूर्वक करना पड़ रहा है। जी जी। तो दूसरा, मुझे सुखी और समृद्ध करना चाहता है, इस बात की स्पष्टता होना विश्वास है। जी इंद्रपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो क्या सर, जो सहज स्वीकृति है जो का फिक्स है, फिर क्या एक निश्चित है कि वो तो है ही है? हाँ, ये दिख जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज मान्यता बन जाएगी। तो ये भी एक मान्यता हो सकती है कि सबकी सहज स्वीकृति तो सुखी होने सुखी करने की है। जब तक ये आपको दिखा नहीं है तब तक तो आपकी कल्पना में ही है, तो इसको माने नहीं आप, इसलिए बार बार रोक के इतने सारे जो हम लोग संवाद कर रहे हैं ताकि आप माने नहीं उस चीज को, इस चीज को जांच पाए, जान पाए। नहीं तो उसको परख के बाद ही तो उसे मानेंगे कि हाँ ये सहज स्वीकृति है, ये परख लेंगे जांच करके। तो परखने के क्रम में ना पहले अपने आप को परखेंगे, जैसे आपको किसी भी स्थिति में ना, इनफैक्ट ये बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है कि कोई भी स्थिति हो आप अपने आप से पूछिए, इस क्षण इस अगले व्यक्ति को जिसके साथ मुझे कुछ कठिनाई हो रही है संबंध में, मैं सुखी करना चाह रहा हूँ, दुखी करना चाह रहा हूँ, चाहना क्या है मेरी।
जी जब ये क्लियर हो जाएगा तो अगले के बारे में भी क्लियर होने लगेगा। जी इंद्रपाल जी कुछ कह रहे हैं। मेरी सर सोई वहीं अटकी हुई है अभी भी। जो उदाहरण आपने दिया था बिल गेट्स का, तो मेरे दिमाग में बार बार ये प्रश्न आ रहा है कॉमन मैन के रूप में कि बिल गेट्स और मेलिंडा दोनों सुविधा संपन्न थे, दोनों ही योग्य थे, दोनों में ही चीजों की सहज स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए जाने का ज्ञान था, और उसके बाद भी इतने लंबे समय साथ रहने के बाद अगर उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है तो ये निर्णय सही है या गलत है। हालांकि ये हमारी कल्पनाशीलता का विषय है, वास्तविक चीज तो वही जान सकते हैं, पर हमारी कल्पनाशीलता के माध्यम से अगर हम इस पर विचार करें तो क्या हम कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो ये सही हुआ है संबंधों को लेकर के अथवा गलत हुआ है। यही इसलिए उनका बहुत आकलन करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक हिंट दिया, और इसमें जो हमने मान लिया ना कि कोई व्यक्ति है वो योग्य है, इसको भी थोड़ा ओपन रखें। ये योग्यता का मतलब तो सही समझ का पूरा होना है, तो अगले व्यक्ति में सही समझ है ऐसा हमने मान लिया है, ऐसा है कि नहीं ये जांचने की बात है। मेरा प्रश्न कितना है कि ऐसा तो नहीं कि उन्होंने प्रयास नहीं किए होंगे, अगर 20 साल तक हो रहे हैं 20 साल तक उन्होंने प्रयास भी किए होंगे और प्रयास करने के बाद उनकी सह स्वीकृति बनी होगी कि अब हमको अलग हो जाना ही बेहतर है, तो ऐसी स्थिति में अगर अलग हो जाने का निर्णय सह स्वीकृति के आधार पर लिया गया है तो मैं इसको संबंधों के दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य में सही मानूं अथवा गलत मानूं। मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि इच्छा और सहस्वीकृति अलग चीज है, सहस्वीकृति कोई बनने या बिगड़ने की चीज नहीं है, सहस्वीकृति बन गई सहस्वीकृति रह गई टूट गई ऐसा कुछ होता नहीं है। सहस्वीकृति तो आपके होने का एक स्वत्व है, आपके होने का एक है ना बेसिक आपका पोटेंशियल है, इनेटनेस है आपका, तो कोई बनने बिगड़ने की चीज नहीं है। इसलिए उसको और थोड़ा ध्यान देंगे तो इच्छाओं में ये सब परिवर्तन होता रहता है, कभी इच्छाओं में ना हम किसी का एक प्रकार से आकलन करते हैं, कभी इच्छाओं में दूसरे प्रकार से आकलन करते हैं। एक मैं उदाहरण दे दूं ऐसे ही है ना, इस उदाहरण से हटकर है कि एक बार एक व्यक्ति पागल खाने गया तो वहां पे देखा कि एक व्यक्ति जो है वो अपने सर के बाल नोच रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कपड़े फाड़ रहा है। तो जो व्यक्ति पागल खाने को घुमा रहा था उससे पूछा कि भाई जो एसाइलम का हेड था क्या हो गया इस व्यक्ति को, तो उसने कहा कि एक लड़की से शादी करना चाहे उसे शादी नहीं हुई इसलिए पागल हो गया, उसको बहुत अफसोस हुआ। फिर अगले सेल में गया तो एक व्यक्ति ऐसी स्थिति में था जो अपने सर के बाल नोच रहा था, कपड़े फाड़ रहा था, उसने पूछा इसको क्या हुआ भाई, तो कहा कि जिस लड़की उसकी शादी नहीं उससे इसकी शादी हो गई। तभी कई प्रकार से जो हम लोग विचार करते हैं, संबंधों का चयन करते हैं, ये समझ के आधार पर हुआ है नहीं हुआ ये तय करना मुश्किल, अभी तय करना शेष है ना, इसको थोड़ा देखना होगा। तो सह स्वीकृति कोई बनने बिगड़ने की चीज नहीं है, सह स्वीकृति अपने आप। एक क्षमा चाहती हूँ कुमार जी, क्या मैं एक अनुभव रख सकती हूँ? जी जी, कल मैं मेरे बेटा जो है सोशल मीडिया में से रिलेट करता है और वहाँ पे चर्चा हो रही थी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा क्रूशियल चल रहा है इस विषय में, थोड़ी सी चीजें हो रही हैं, तो वो इस विषय में चर्चा कर रहा था और थोड़ा चिंतित था तो बात कर रहा था। तो मैंने उसे सुझाव दिया कि व्यवस्था जरूरी होती है और व्यवस्था के लिए कुछ नियम और कायदे कानून की जरूरत पड़ती है, तो उसमें कुछ परेशानियां और उसका भी हमें सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से आगे चली बात, तो मैंने एक चीज और उसे बताई कि कोई भी इंसान या कुछ भी सब में एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जहाँ से वो रिलेट करता है, अगर वो उसको समझ पाता है तो मतलब आध्यात्मिकता, मतलब ये चर्चा आगे चलते चलते इस तरह आई कि मैंने उससे कहा कि ये आध्यात्मिकता हर एक मानव जीव में है विद्यमान। तो वो थोड़ा सा क्रॉस, वो मेरी बात से सहमत नहीं हुआ और उसने कहा कि जो लोग इतने क्रूर हुए जिन्होंने पूरी मानव जाति को इतना आहत किया और चीजें की, तो क्या आध्यात्मिकता वहां पे क्या वो कैसी आध्यात्मिकता थी कि वो उन्होंने ऐसा किया, उसका सवाल इस तरह से कुछ था। मैं पूरी चीजें रखना डिटेल में बहुत मुश्किल होगा तो मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो वहां पे मुझे लगा, मैं भी सोच में पड़ गई, फिर मुझे एक उदाहरण याद आया कि अंगुलीमाल जो थे बाद में जाकर के बहुत विख्यात ऋषि हुए, तो आध्यात्मिकता उनमें उसके बाद नहीं आई थी किसी एक इंसिडेंट के बाद, वो हमेशा से उनमें विद्यमान रही होगी ऐसा मैंने अनुभव किया।
और मैंने ये उससे शेयर किया कि ऐसा है, तो वो जो शासक थे जिन्होंने इतना क्रूरता से शासन किया और फिर वो इसी तरह से चले गए दुनिया से, तो वो आध्यात्मिक वहाँ पे कहाँ पे थी। तो मैंने उसे एक और उदाहरण दिया कि अंधकार बेसिकली कोई चीज नहीं है, प्रकाश का अभाव अंधकार होता है। ये मैंने कहीं से पढ़ा था और इसमें मुझे थोड़ा सा मैं इस पे इसको मतलब विश्वास कर पा रही थी और इसे अपनी चीजों में सम्मिलित कर पा रही थी, तो मैंने उसे वो भी उदाहरण दिया। लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब मैंने कहा एक सेल है, एक हम एक प्रत्येक जीव जो है वो एक एक सेल से ही मतलब उसका जीवन शुरू होता है और उस सेल में इतनी सारी चीजें होती हैं और हर एक जीव चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अच्छा इंसान हो बुरा इंसान हो, पेड़ पौधे हो मनुष्य हो पशु पक्षी हो कोई भी हो, उसका जन्म एक सेल से ही होता है। उस सेल में सारी चीजें समाहित होती हैं, चाहे आध्यात्मिकता हो या किसी भी रूप में हम उसे परिभाषित करें किसी भी शब्द को दे। तो मेरे को ये लगा, तो मुझे लगा था, लेकिन मैं एक जगह थोड़ा सा कंफ्यूज भी थी खुद में भी, लेकिन आज काफी चीजें क्लियर हुई हैं और मैं समझ पा रही हूँ कि बेसिक जो थॉट है वो है समझ या योग्यता, जिसे अब आज हम नाम दे दे रहे हैं, तो इस तरह से हम उसे देख पा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू सो मच, बहुत समय नहीं है। धन्यवाद कुमार जी। जी बहुत अच्छा, तो इसको समाप्त करें तो दूसरा मुझे सुखी और समृद्ध करना चाहता है, इस बात की स्पष्टता होना विश्वास है, यही संबंध का आधार है। यदि मैं चाहना पर विश्वास करता हूं तो दूसरे के साथ अपने संबंध को महसूस करता हूं, परस्पर योग्यता के सही मूल्यांकन के आधार पर दूसरे के साथ सही कार्यक्रम बना पाता हूं। और फिर क्या होता है कि यदि दूसरे में योग्यता की कमी है तो दूसरे को आश्वस्त करने का प्रयास करता हूं। एक बार जो संबंध में आश्वस्त होता है तब मैं उसकी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करता हूं, उससे पहले नहीं। और यदि मेरी योग्यता में कमी है तो मैं अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए दूसरे से मदद लेने के लिए प्रयास करता हूँ। पर यदि चाहना पे शंका है तो ये सब होता है ना, उसकी योग्यता कमी को उसकी चाहना कमी मानता हूँ, फिर उसके प्रति हमारे अंदर विरोध का भाव आ जाता है, ठीक। और ये सब फिर आगे चलकर चीड़ खींच क्रोध इन सब में दिखता रहता है। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे घर में कहते हैं ना, आप थोड़ा सा देखिए इस चीज को कि घर में पहले घर बंटता है कि पहले मन बंटता है, क्या लगता है? चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पहले घर बंटता है या लोग का आपस में भाव बंट जाता है, मन बंट जाता है? तो दिखाई देगा मन बढ़ जाता है, दुराव आ जाता है, संबंध में दुराव बढ़ जाता है, आ जाता है ना। घर तो बहुत बाद में जाके बढ़ता है। और ये जो चाहना और है ना इच्छा में भेद ना कर पाना है, अंतर ना देख पाना, ये मुख्य बात है। अगर इन दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाना, इच्छाएं एक तरफ है, चाहना अपने आप में ठीक है, हर एक व्यक्ति में ठीक है, तो फिर जाकर हम उसकी इच्छाओं में परिमार्जन के लिए काम कर पाते हैं, अपनी इच्छाओं में परिमार्जन के लिए भी काम कर पाते हैं। जी यहाँ बात पूरी करते हैं, अभी हम विश्वास की चर्चा हुई है, कि वर्णा जी कुछ कह रही है, वर्णा जी की बात को सुनकर बात करते हैं फिर आगे चलते हैं। जी वर्णा जी कुछ कह रही थी। ओ सॉरी गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसके बाद विश्वास के बाद हम लोग सम्मान की चर्चा शुरू करने वाले हैं। मैं इसको ओपन अप कर देता हूँ और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग 1:30 बजे रोकेंगे आज चर्चा को, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। अनुमति हो तो मैं एक बात रखना चाह रही हूँ, मेरे मन में एक प्रश्न है। जी जी बताएं ना। मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि हमें सामने वाले की चाहना पर शंका नहीं है, क्योंकि उसकी योग्यता में कमी है, चाहना उसकी मुझे सुखी करने की उसकी चाहना है, पर उसकी योग्यता में कमी है, और मैं उसकी चाहना पर विश्वास करने के बाद आवश्यकता अनुसार उसकी भी योग्यता बढ़ाने का प्रयास करूंगी और अपनी योग्यता को भी बढ़ाऊंगी। जी अगर योग्यता बढ़ाने के प्रयास में योग्यता ना बढ़ी तो फिर आपकी योग्यता तो बढ़ जाएगी। दूसरे की योग्यता को बढ़ाने के प्रयास में अपनी योग्यता तो बढ़ेगी ना, तभी तो हम दूसरे की योग्यता बढ़ा पाएंगे। ठीक है, मेरी योग्यता बढ़ी पर सामने वाले की योग्यता नहीं बढ़ी, तो यहाँ पे जी संबंध में हार्मोनी रह पाएगी। जी ये जो सम्मान की हम लोग बात करेंगे ना, ये बात स्पष्ट हो जाएगी अपने आप। अच्छा जी, थैंक यू।
तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे मेरे को अपने इस प्रश्न का जवाब मिलेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी एक सवाल है। जी लखनला जी बताएं। जी अभी सहज स्वीकृति की बात हो रही थी। जी तो ये एक्चुअली सहज स्वीकृति आती कैसे है, या ये इंस्टेंट इनलाइटनिंग है, या फिर विचारों में जाके एक सतत प्रक्रिया के बाद? ये आपका स्वत्व है ना, तो ये विचार का भाग है ना कोई ये लाइटनिंग जैसी कोई घटना है, ये आपका स्वत्व है, ये आपके साथ आपके होने मात्र के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप हैं और आप सुखी होना चाहते हैं, ये सुखी होने की जो चाहना है कहीं बाहर से हमने इम्पोर्ट नहीं की, कोई विचार नहीं किया, ये है ही मेरे होने के साथ बना हुआ है। ये ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। तो ये जैसे हम थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सहज स्वीकृति का अनुपात क्या है वर्तमान जो हमारा समाज है परिवेश है? वो तो मैंने आपको अनुपात दिखाया अनुपात ना कहें भले ही, बट अभी कल्पनाशीलता का बहुत छोटा हिस्सा जो है वो हमारी सहज स्वीकृति से आ रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा मान्यताओं से चल रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा संवेदनाओं से चल रहा है ना। तो सहज स्वीकृति मेरे अंदर है परंतु मैं उधर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जांच नहीं रहा हूँ, परख नहीं रहा हूँ उसको, अभी जो ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पूरी शिक्षा ही ऐसी है जो मुझे उससे डाइवर्ट कर रही है। अभी हम बच्चों को इतना सारा इन्फॉर्मेशन लोड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, है ना। परिवार में भी देखिए तो पूरे समय हम सूचनाओं की बात करते रहते हैं, चाहना की बात नहीं करते हम लोग। विरोध को निभाने के लिए कई कई जन्मों तक योजनाएं बनाते हैं, संबंध को ठीक ठीक जीने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगाते। अभी ऐसा हो गया इसलिए क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए स्पष्ट नहीं है। जो मैंने कहा ना कि परिवार में कितने क्षण हम बैठ के दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारी चाहना क्या है, मेरी चाहना क्या है, नहीं कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे।